काजल तुमसे एक क्वेश्चन हुआ, सर नहीं हुआ 57, 58, 59 भी नहीं हुआ तुमसे। सर मैं वाले कर रही हूँ जो। चलो ठीक है, मैं बता रहा हूँ अब तुम लोग इसमें इस क्वेश्चन में फंस गए जो भी जोड़ इसमें बता रहा हूँ। समझ क्या है, पहली क्लास के बच्चे के पास चले जाना, अभी मैं जैसे पूछूंगा ना प्लस माइनस ही है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्लस माइनस किस में किसका कर देना है ये सबसे बड़ा सवाल होता है। अच्छा चलो देखो इधर सब लोग, तुम लोग जोड़ बाकी को भी निपटा नहीं पा रहे, बोलो। ये तो गया ना, देखो इधर, देखो ध्यान से अभी इधर सब लोग देखो। किसी एक प्रस्तावित अभ्युदय को लागू करने से पूर्व उस पर किए गए सर्वेक्षण में 2,878 व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। ध्यान से, सबसे पहले इतने लोगों ने भाग लिया, इसको यहाँ पे लिख दो, जिनमें 1652 पुरुष थे। अब मैं जिसे पूछूंगा वही जवाब देगा। 1652 मेल है, तो बताओ सोमेश कितने फीमेल है? 1226। पक्का गलत, गठाने में गलती हो ना फोड़ दूंगा, ठीक है? 1226 फीमेल, ठीक है? अब जैसे क्वेश्चन बोलता जा रहा ना वैसे वैसे आगे बढ़ो। अब मैं फिर बताऊँ, यूपीएससी में क्वेश्चन पढ़ना सीख लो, एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है? अब देखो, 1226 व्यक्तियों ने प्रस्ताव के विरुद्ध मत दिया, ठीक है? व्यक्तियों ने, अब व्यक्ति बोला पुरुष नहीं, तो यहाँ पे लिखो 1226, इसने किसके प्रस्ताव के विरुद्ध दिया, ठीक है? प्रस्ताव के विरुद्ध मत दिया, जिनमें से 796 पुरुष थे। अब इसमें से जो 1226 थे, इसमें से कौन 796 796 मेल है, तो कितने फीमेल हो गए? 430। पक्का? 430। हाँ, 430 फीमेल। डी वाले का आंसर है ये, ओ सॉरी 62। ठीक है, अब आगे देखो, पहले क्वेश्चन होता है मत भागो, उसको तो पूछ लो सारा, ठीक है? 1425 व्यक्तियों ने प्रस्ताव के पक्ष में मत दिया। अब ये देखो, 1425 व्यक्ति है ये, ठीक है, ने के पक्ष में मत दिया। 196 स्त्री अनिर्णीत, मतलब 196 ने कुछ भी डिसीजन नहीं लिया। अब ध्यान से समझना, टोटल फीमेल कितनी है? 1226, इसमें से 430 घटा दो, ठीक है? 1236 प्लस 196, पहले इन दोनों को जोड़ लो, फिर इसमें से घटाओ, फिर ये जो यहाँ पे जो फीमेल है वो अपनी फीमेल आ जाएगी यहाँ पे। कितने पक्ष में सब 1226 में से 430 और 196 घटा दो, पहले 430 इनको जोड़ लो, फिर 430 घटाएंगे तो आएगा 796 वो, नहीं मैं दोनों को घटाओ क्योंकि अपने भी आपसे 796 घटाओगे 600 आ जाओगा, 600 आ जाएगा, ठीक है? तो इधर देखो, ध्यान से समझो, इधर जो पक्ष में देने वाली थी वो कितनी महिलाएं आ गई? 600 फीमेल, तो पुरुष कितने हुए बताओ? अरे 1425 में से 600 घटाओगे कितना आएगा? 1425 में से, अरे 825 आ गया ना भाई, इसमें 600 आ रहा है, ठीक है? अब देखो, अब ध्यान से समझो बस, और कुछ ही नहीं, अब ये डाटा कंप्लीट कर लिया अपन ने। अब देखो क्या क्या पूछ रहा है, कितने स्त्रियों ने प्रस्ताव के पक्ष में वो वोट दिया? 600, ठीक है? 600, ठीक है? कितने पुरुष अनिर्णीत थे? अब देखो ध्यान से, रुक जाओ, नहीं नहीं अब देखो ध्यान से समझना, टोटल मेल इतने थे, इसमें से पक्ष में इतना दिया, विपक्ष में इतना दिया, इन दोनों को जोड़ो और इसमें से घटाओ, 796 को और 825 को जोड़ो। सोमेश, 725 को, 825 और 796 को जोड़ के 1652 में से घटाओ, घटाने किसमें से है? 1652 में से, 1652 में से 71 71 कैसे आएगा अमित? 31 समझ में आया? यही तो समझ नहीं आ रहा था। अब देखो ये तुम लोग इसमें भी कुछ गलती, कुछ गड़बड़ी की हो, रुक जाओ, तुम घटाने में कुछ गड़बड़ी की हो तुम लोग। देखो 430 फीमेल, 196, 500, 600 ये आ जाएगा 626। नहीं, उसका 60 वाले का आंसर, तुम लोग कुछ घटाने में गलतियां की हो तुम लोग। 600 आंसर आ गया, 600 तारीख है, मेरा भी 600 ही है आंसर। आंसर का एर्जी को भी है, 600 ही सही है, 600 ही सही है, सही है, ठीक है? अब आगे देखो,
कितने स्त्री प्रस्ताव के पक्ष में नहीं थी, पक्ष में नहीं थी, यहाँ पे है 430 आ गया आंसर। ठीक है अब बताओ सपना तुम्हारे कितने सही हुए कितने गलत हुए जो पहले कहे थे। एक ही हुआ है। देख लो क्या गलतियां कर रहे हो। मैंने उसमें से नहीं होनी घटाई थी अनियत वाली स्त्रियां। ऐसे ही करोगे क्या करो। चलो ठीक है आप 63 करो सब लोग। समझ में आ गया। 63 हो गया। सब कुछ तो बताया लेकिन ये प्राप्त करने के लिए किसमें किसको कितना घटाना है ये बात आपने एक्सप्लेन नहीं की, तो उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। अब देखो ध्यान से समझो। देखो क्वेश्चन देखो दोबारा पढ़ो। किसी प्रस्ताव विधेयक को लागू करने के पूर्व उस पर किए गए सर्वेक्षण में 2878 व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। देखो मैं ब्लैक पेन यूज करता हूँ। देखो 2878 व्यक्तियों ने भाग लिया। ध्यान से समझ लो। तो व्यक्तियों ने हिस्सा लिया जिसमें 1652 पुरुष थे। ये अपने 1652 पुरुष लिख लिए। अब ये आगे नहीं बोल रहा तो खुद को निकालना पड़ेगा ना। ये इतने मेल है तो कितने फीमेल होंगे 1226। अब आगे देखो 1226 व्यक्तियों ने प्रस्ताव के विरुद्ध मत दिया, अपोजिशन में दिया 1226 ने। कितने में से 2878 में से, ठीक है, जिसमें से कितने पुरुष थे 796 मेल थे। अब ये समझ बात, इसमें से घटा दोगे कितना आ जाएगी फीमेल की संख्या आ जाएगी जो विरुद्ध में थी। बिल्कुल 430 जो इसका आंसर भी 430 आया था। ठीक है अब आगे देखो जिनमें 796 पुरुष थे 1425 व्यक्तियों ने प्रस्ताव के पक्ष में मत दिया। ये रहा 1425। ठीक है ठीक है अब देखो ध्यान से समझ। एक तरीका तो ये भी है इन दोनों को जोड़ो 1425 और 1226 को जोड़ो। समय 1425 और 1226 को जोड़ने में गलती मत करना फोड़ दूंगा तुम लोगों को। सचिन समझ में आ रहा है? 2651 आया। अब इसमें से 58-78 में से घटा दो 2651 को। घटाओ अरे 1226 और 1425 को जोड़ना था। 1225 आ गया ना डायरेक्ट 51 आ गया 2651। अब इसको घटाओ। हाँ सही है 26। अब सुनो 2878 में से 2651 को घटाओ कितना आ रहा है 227। अब देखो 227 आए। 227 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने व्यक्ति बोल रहा हूँ जिन्होंने वोट नहीं दिया ना पक्ष में दिया ना विपक्ष में। उसमें अपने महिलाओं की संख्या कितनी दी है 196। 196 घटा दो पुरुषों की संख्या आ जाएगी जो 27 में से। हाँ 196 घटाओ। अरे डायरेक्ट घटाना सीखो 227। हाँ तो बस ये आ गया आंसर। समझ में आया सोमेश? अब देखो कितने स्त्री, अब देखो कितने स्त्रियों के प्रस्ताव के पक्ष में मत दिया। अब देखो ध्यान से समझो 1425 थे जिसमें से देखो मेल का अपन को निकल चुका है कि टोटल मेल देखो 1652 थे जिसमें 796 मेल ने अपोजिशन में दिया और जिसमें से 31 मेल ऐसे थे जिन्होंने कहीं वोट नहीं दिया। तो 796 प्लस 31 जोड़ दो कितना आ जाएगा 2, 9, 3, 12, 1, 822। 822 को 1652 में से घटा दो। रुक जाओ 796 है ये 96। 796 में 31 जोड़ो कितना आ जाएगा 6, 7 और 9, 3, 12 से लगे 827। 827 1652 में से 827 घटाओ। हाँ तो ये 825 ये आ गया देखो। ठीक है आप सोचो 825 1425 में 825 घटा दो कितना आ जाएगा 600। ये 600 फीमेल आ गई तो ये आ गया पहले का आंसर। अब बता जोड़ बाकी था इसमें कुछ था जोड़ ही था बट समझ में नहीं आ रहा था ना कि उसको कहाँ से जोड़ना था। अब समझ आ गया। दिक्कत इसी में हुई थी ये जो दूसरे नंबर का क्वेश्चन है कितने पुरुष अनिर्णित थे। अच्छा बाकी मेरे दोनों लगभग लगभग ठीक हो गए थे। तो मैंने बताया ना देखो टोटल जो वोट देने वाले उन दोनों में से, अब जो टोटल नहीं देने वाले जिसमें स्त्री संख्या तो दे दी अपने को तो उसमें से जो घटा दो अपने देखो ये तो किया 227 आया था 227 में से 96 घटा दिया तो ये कितना आ गया 31 यही तो आ गया। ये जो आपने स्टार्टिंग में 2878 में 1652 घटवाए तो 1226 आए। 1226 में 796 घटवाए 431 आए 430। अरे पुरुष है वो महिला तो 196 है। ये देखो ये दिया है 196। अच्छा महिला 196 हाँ जिन्होंने कहीं नहीं वोट दिया।
वो तो पुरुष की आई है जो 31 जो वोट जो पुरुष ने नहीं दी। ठीक है सचिन पका। अरे भाई ऐसे मैं फिर बता रहा हूँ, शर्माओ मत, मैं फिर बता रहा हूँ, मैथ है और ये 1+1 ही होती है। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर एक भी गायब किए नहीं, मैं फिर बता रहा हूँ चीज़ें समझ लो, जहाँ नहीं समझ में आएगा पूछ लेना, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ सर। हाँ बोलो काजल। सर ये वीडियो रिकॉर्डेड हो रही है। हाँ हो रही हो रही हो रही। ठीक है अब अगला करो सब 63 करो सब। ये मैं फिर बता रहा हूँ 63 टाइप का भी हर साल क्वेश्चन आता है, हर साल इस टाइप का क्वेश्चन भी याद रखना। मैं फिर बार बता रहा हूँ ये बहुत इजी क्वेश्चन है और हर साल रिपीट होते हैं, इसमें कोई गलती नहीं करना। अरे हो गया मेरा 63 वाला। ठीक है अच्छी बात है। और जब तक है ना दोबारा है तुम्हें ना काजल ये करो 57 से लेके जब तक 62 बनाओ तुम, अगर ये नहीं बने थे अब बनाओ, जब मैंने सोल्व कर लिया उसके बाद बनाओ खुद से, तब जाके कॉन्फिडेंस आएगा। ओके और सब लोग PYQ लेके ही आना 1 तारीख को, ऐसे कोई नहीं आएगा। GS CSET दोनों के PYQ 2011 से।
क्या सोमेश हो गया? सोचा। अरे सोचो ना, पेन चलाओ, मैं तुम्हें बार बार ठुकाया कर दूंगा। मैं तुम्हारी चला रहा हूँ, लेकिन पेन का डायरेक्शन भी होना चाहिए, पेन किधर चला। सचिन बना, ये तुम लोग कर क्या रहे हो? एक एक डंडे खींच खींच के नगीना हुआ। हाँ सर, हो गया। आ गया सेवन। गलत, आठ आएगा। आठ उसका आंसर पता कोई नहीं है ना, ये बीच में था, ऊपर नीचे अप डाउन चारों तरफ। सिक्स आएगा, फिर सेवन ही आना चाहिए। नहीं आ रहा ना यार, ऊपर नीचे में चारों तरफ से दिमाग भी लगा लिया इसमें, काट फीट के तब भी अलग ही बैठ रहा है आंसर। क्योंकि देखो इसने दो की डायरेक्शन खोल रखे, नीचे 17वें नंबर पर वाई है। ठीक है, चलो ठीक है दादा, देखो सब लोग भैया एक मिनट हो गया काम। एक्स वाई नहीं, अब भी नहीं आएगा, अलग आएगा। चलिए भैया बताइए। ठीक है सुनो ध्यान से, अब किसी पंक्ति पंक्ति पहली बात ये होती है, ठीक है? ठीक भैया, हमें दिखा ले। ठीक है, अब देखो किसी पंक्ति में श्रीमान एक्स सामने से 14 स्थान पर है और श्रीमान वाई अंत से 17 स्थान। अब देखो जो जिधर से तुम मान रहे हो, स्टार्टिंग यहाँ से मान रहे हो, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 14 स्थान पर है श्रीमान एक्स, सामने से 14 स्थान पर है एक्स, यहाँ पे ध्यान से समझना, ठीक है? और श्रीमान वाई अंत से 17 स्थान पर है। अब ये अंत है अपने, ये लास्ट कॉर्नर मान रहे हैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट मान रहे हैं, ये लास्ट से 17 स्थान पर है। अब ये किधर भी हो, अभी देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे भी यहाँ हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, अपने को कंफर्म नहीं बोल सकते। टोटल व्यक्ति अपने को जब तक ऐसे बोला है 48 बोला तो इधर ही होगा, ठीक है? ध्यान से समझना, इधर होगा। हाँ क्यों होगा ना, देखो सभा 14 है तो 14 भाई सभा बात है, इधर ही जाएंगे ना अपन। 48 में से 17 घटाओ कितना आएगा सोमेश? 48 में से 17 घटाएंगे 31, तो ये 31वें स्थान पे होगा इधर से, मतलब सब ऐसी बात है इधर से होगा। तो डायरेक्शन थोड़ा सा अच्छे से बताइए। देखो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, बिल्कुल ये लास्ट से 17वें पॉइंट पे है, जैसे मान लो यहाँ 48 होगा उससे 17वें पॉइंट पे यहाँ, ठीक है? ठीक है, अब उसके बाद में आगे पढ़ो। आप देखो 17वें स्थान पे वाई अंत से 17वें स्थान पर, जबकि श्रीमान जेड एक्स और वाई के ठीक मध्य में, आप देखो ठीक मध्य में यहाँ पे होगा जेड, ध्यान से समझना। अब इन दोनों के बीच में जितनी संख्याएं आएगी उसके ठीक बीच में है ये, ठीक है? श्रीमान एक्स यदि श्रीमान वाई के आगे, ये बोल दिया अपने को, जो श्रीमान वाई है, श्रीमान एक्स है यदि श्रीमान वाई के आगे, देखो आगे है ना, ठीक है? और पंक्ति में कुल 48 व्यक्ति भी बोल दिया अपने को, तो श्रीमान एक्स और श्रीमान जेड के बीच कितने व्यक्ति है, तो ये अपने को यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे टोटल कितने, इनके बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, याद करना, इन दोनों को काउंट नहीं करेंगे, इनके बीच में व्यक्ति चाहिए अपने को। अब ध्यान से समझो, जोड़ बाकी वाला क्वेश्चन फिर मैं बता रहा हूँ, अब देखो ध्यान से समझना। देखो अब देखो ध्यान से समझो, ठीक है? यहाँ तक ये 14 है, ठीक है? यहाँ पे कितने आ गए थे जब आपने 48 में 17 घटाया था? 31 था, ठीक है? अब 31 में से 14 घटाओ कितना आएगा? 17 आएगा, तो इनका मतलब है कि x और y के बीच में कितने लोग हैं? 17 है यार, मतलब वो x के, समझ में आया? 17 लोग हैं, और ये बोला z इनके बीच में है, तो z कहाँ पे होगा? बिल्कुल बीच में, मतलब 8 इधर 8 इधर, समझ में आ गया? तो जेड यहाँ पे है, तो अब ये पूछ रहा है x और जेड के बीच में कितने व्यक्ति है? 8 आंसर। अच्छा इसमें एक बार थोड़ा समझ, इसमें जेड और इसके बीच, इसके 31 में से इनके बीच का पूछ रहे, 17 में से इनके बीच का पूछ रहा है, 8 × 2 = 16 तो 9वें स्थान पर ही होगा। अरे बीच में कितने व्यक्ति पूछ रहा है, वो कौन से स्थान पे ये नहीं पूछ रहा है, एक्स और जेड के बीच में कितने व्यक्ति, 8 व्यक्ति ये तो है। अभी रुक जाओ, मैं तुम्हें ऐसे नहीं, तुम्हें ना बच्चों की तरह सिखाना पड़ेगा, पर वो बच्चों वाला तरीका, भाई बड़े हो जाओ, ग्रेजुएशन पास करके बैठे। यानी क्वेश्चन में दिया तो हुआ है ठीक मध्य में, फिर इधर उधर से गिन लो, उसको 8 का ही तो डिफरेंट आ रहा है। गिन के दिखा रहा हूँ, रुक जाओ, आप सुनो इधर, आप देखो ध्यान से देखो, स्टार्टिंग 14 स्थान पर, ध्यान से समझना, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये कौन है? एक्स।
भाई। अब ध्यान से समझना, 48 से है यहाँ से सत्रहवें स्थान पे, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां दसवां ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह, ये कौन है? वाई, सत्रहवें स्थान पे यहाँ पे, ठीक है। ये पीछे से आप पीछे से अगर नंबरिंग करते जाओ, 48 ये कितना हो जाएगा, 47 46 45 ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 44 43 42 41 40 ठीक है, ये 39 ठीक है, ये 38 ये 37 36 35 34 ये 33 और ये 32 स्थान पर होगा, ठीक है। गिनस एक बार 17 देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ठीक है। अरे 31 पे से देखो, 31 पे आएगा 48 - 8 17 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 पे आएगा, ठीक है। आप ऐसे ही सोचो ना, 32 8 8 16 सत्रहवें स्थान पे तो फोड़ दूंगा तुम लोगों को। अरे देखो 38 से इधर कितने व्यक्ति है, 16 है ना, सत्रहवें स्थान पे तो खुद है, तो 32 पे तो आएगा वो। 31 पे तो मतलब खुद बैठा है वो, 32 पे बैठा है तो 32 से देखो कितने हुए, 32 एक तो काउंट ही होगा जिसका वो है। हाँ तभी तो ना, 48 में से 32 घटाओ कितना आएगा। अरे 8 8 16 तो देखो ना, 32 से लेके 40 तक कितना हुआ, 8 और आधे इधर 8 8 8 16 सत्रहवें स्थान पे तो वो है ही। रुक जाओ 31 ही आएगा, रुक जाओ, अपनी गलती कैसे हो रहा है। मान लेना कि हम भी हां कर रहे हैं। रुको रुको रुको, अरे ये बच्चों की तरह समझाने में ऐसे होता है। रुक जाओ, ये फिर है ना 48 47 तो मेरा चार्जर लगा दे सीट आई पे। अरे देखो सुनो, इधर सोमे सीधा देखो, पहले समझ ये 14 स्थान पर है एक्स, ठीक है, ये इधर है वाई, 17 स्थान पर है, ठीक है, ठीक, ध्यान से समझना। और जो जेड है वो इन दोनों के बीच में है, ठीक है। अब इन दोनों को अगर चाहो तो तुम है ना 14 और 17 को जोड़ो, एक तरीका सुनो, 14 और 17 को जोड़ो कितना हुआ, इकतीस, अड़तालीस में से 31 घटाओगे कितना बचेगा, 48 17 तो इसका मतलब इन दोनों के बीच, देखो इसको अब ध्यान से समझना, अपने इसको जोड़ लिया और इसको जोड़ लिया, अब बचे हुए यही है 17 लोग, 17 लोगों में सब ऐसी बात है। यहाँ पे देखो ध्यान समझना, अब यहाँ पे 17 लोग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 नवा ये हो गया जेडवा, 1 2 3 4 5 6 7 8 अब 8 लोग यहाँ पे, 8 लोग एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक है। तो अब पूछ रहा है जेड और एक्स के बीच में कितने व्यक्ति, 8 ही तो हुए, समझा। मुझे एक डाउट है, मुझे थोड़ा सा प्रोसेस समझ में नहीं आया। सिंपल सा तरीका है सर, ये एल प्लस आर कर दीजिए 31 आ जाएगा। अरे वही तो किया है, 31 में से 48 में 31 घटाया, 17 17 बीच में से, ये दूसरा मेथड है सर ने बताया, ये दूसरा मेथड बताया। अरे सुनना, अरे तू सब कुछ ये मेथड बता दिया है, मैं वीडियो देख के अच्छे से समझ लूंगा, नहीं समझ में आएगा फिर आपसे आगे कंसल्ट कर लेंगे। अरे पूछ ले, क्या बात है, पूछ ले, दोबारा आगे कंसल्ट कर लेंगे ना सर, कहां है। अरे मैंने डायरेक्ट बताया, इधर से जोड़ ले, इधर जोड़ ले, 14 14 वाला ये देखो, इसमें 14 दे रखा है ना, 14 और 17 इन्हें जोड़ दे, जोड़ा है 14 में स्थान पे x है और 17। अरे नहीं, वो छोड़ो तुम 14 और 17 जोड़ो कितने हुए, 31 31 31 में 48 में से 31 घटा दो कितने हो रहे हैं, 48 में 31 17 है, 17 हो रहे हैं, इसमें मध्य लिखा है ना, मध्य तो इसमें डिवाइड कर दो जाता है 8 8
धन्यवाद ठीक है चलो आप सौम्य सारे क्वेश्चनों करेगा कलेक्टर वाली भूमिका में आएगा सर चलो आप जल्दी आजा फटाफट से आप फटाफट करो सब लोग 73 से लेके 80 तक सारे क्वेश्चन करो इसमें एक भी गलत नहीं होना चाहिए नहीं तो फिर आईएएस बनने का मतलब डिसीजन झूठ बोलो भयंकर वाली अब बोलो झूठ भयंकर वाली झूठ नहीं बोलते हम कहां से कहां तक करना है 73 से लेके 80 तक सारे करो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए इसमें झूठ बोलने का काम है भाई ये बहुत इजी क्वेश्चन है इसमें कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चनों में 73 से और सबसे बड़ी बात है नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है इनमें 73 से 80 तक कतरा प्रश्न होने वाला मार्किंग नहीं होती है कतरा प्रश्न होने वाला अब नहीं आते 2014 तक ही आए थे पर केस स्टडी ग्रुप में यूपीएससी ने पूछा है फिर अब क्यों कर रहे हैं इसको जीएस फॉर में यहीं से कैसी स्टडी उठाई थी यूपीएससी ने यार भैया मेरे में तो बीच में इंग्लिश में फेंक दिए सर हाँ वो इंग्लिश आता था ना नजर के रहते साफ आ रहा है तेरे में गुरु तेरे में है साफ मेरे में तो कि आदमी तो कटे पढ़ाई चलो पढ़ाते हैं कोई नहीं 64 ना ही बॉल सर्वन समन्वयक मतलब क्या होता है कौन से कहां पढ़ लिए समन्वय 73 का जो डी ऑप्शन है बेटा के समन्वय पर इसका दायित्व तो डाल देंगे उसकी बड़ी जानकारी नहीं दी बेटा पुट द रिस्पांसिबिलिटी ऑन द कोऑर्डिनेटर ऑफ कोऑर्डिनेटर जो बैठा था ना बातचीत करवाता है सोमेश ये बता मैथ में कितने नंबर आए थे तुम्हारे 10th क्लास में मेरे तो 32 आए थे मैं तो बेस से पास हूं भाई ले लिया मजा सच में 75 से ऊपर थे हां पेपर कहां से लाए थे बता भाई इतने हमारे भी नहीं है तो कहां से लाए थे लाए थे बहुत बकवास ओ 11th बहुत बकवास नंबर कितने साइंस में से पढ़े हो चलो ठीक है करो अब भाई सारे पाप धुल जाएंगे पढ़ लो आपकी बार एनसीईआरटी से नहीं पढ़ाता है इलाहाबाद केपी कॉलेज का अपने नाम को ना होगा भाई साहब तो देख भाई हम तो सरकार में मौज करते थे हम भी गिरे पड़े ऐसे पढ़े भाई और क्या करो सब लोग ऑनलाइन में जो भी कहो कर लेगा तो मैं उसी टाइम टाइम खत्म कर दूंगा ऐसे बातचीत करने का नहीं चला चुपचाप करो सारे क्वेश्चन किसी का हुआ तो फिर मैं करवा दूंगा सारे क्वेश्चन ठीक है तो कोई लापरवाही नहीं करे इसमें तो उत्तर में दो दो आएंगे अच्छा भैया जैसे इसमें दो उत्तर आएंगे तो उसमें एक ही ठीक होगा नहीं दोनों में सही है पर ज्यादा अच्छा कौन है वो तुम करना
बताऊं भैया भैया, ठीक है बैठे नहीं वहाँ शांति बनाए रहे आसान में थोड़ा ध्यान लगा के आ जाएंगे पता ना करें ना नहीं मैं एक बार कब ओवर कर देंगे काजल हुए अमित सपना आकर हो गया सर चलो देखता हूँ तुम लोग आईएएस बनने के बाद में क्या करने वाले हो चलो रुक जाओ व्यक्तिगत रूप से बताओ दुरेंद्र को पहचानूंगा कैसे पे तुम लोगों को मैं फोन क्या क्या आंसर मार रहा है तो सब मेरे से स्ट्रॉन्ग है मैं ही हेल्प हूँ
मुझे भी कुछ कॉन्फिडेंस आने दीजिए। तो लगा ना जोर लगा फिर देखे सचिन उल्टा बढ़ाओगे लगा जोर लगा मेरे भाई। ट्राई करता सचिन कुछ हारी है बात पकड़ में तो फिलोसफी का छात्र है यार केस स्टडी तो हम चलती रहे होंगे सर। चलो ठीक है तो किसकी डिमांड है बस चलो बताओ 73 के क्या क्या आंसर है। 73 के दो आ रहे हैं ए और बी लेकिन फर्स्ट ऑफ दो आ रहा है भाई प्राथमिकता जो आएगी बी को आएगी। 73 ए मेरा सर मेरा ही है दो आएंगे इसमें 73 का ए चलो ठीक है मतलब पता लग रहा है। ये बताओ देखो मैं फटाफट बता रहा हूँ देखना सब अपना अपना टोटल स्कोर बताना 73 का ए और बी इन दोनों में से है ठीक है। इसमें प्राथमिकता सबसे ज्यादा बी को दी जाएगी भैया प्राथमिकता किसको है छोड़ो अगला है 74 का बी और डी बी को प्राथमिकता ज्यादा है एक बोलो ना। अरे एक नहीं दो दो आंसर दिए यूपीएससी ने और सी ए और सी है 76 का है ए और सी सी ठीक है 77 का 77 का बी और डी 78 का बी और बी और डी 78 का भी सेम यही है बी और डी 78 का भी बी और डी 79 का बी है 79 का है बी और सी 80 का ए और डी। अब सब बताओ किसके गलत हुए इसमें से इसके जिसके गलत हुए हैं वो बता दो भाई वो बहुत बेईमान अफसर बनने वाला है। मेरे दो गलत हुए हैं ये सबके दो दो आंसर दिए यूपीएससी ने। हां हां दो दो आंसर किए मेरे दो गलत हुए बस पहले को नहीं। अरे नहीं तुम तो इनमें से एक भी तुम्हारा मिल रहा तो बताओ कितने सही हुए सब बताओ। हां मेरे एक मिल मतलब एक तो सब मिल रहा है बट मेरे दो गलत हुए 77 और 78 सब मिल रहे हैं। 74 में क्या क्या बताया चार किए थे मेरे चारों सही है अरे बी और डी है 77 का ठीक है 76 में ए और सी 76 में सोमित तुम्हारे कितने सही है कितने गलत 76 में सारे सही है तो आगे भी करो 6 में क्या सोच रहे हो 77 में बी और डी अच्छा और 78 में सी नहीं। अरे चलो ठीक है मैं इधर करवा रहा हूँ सब छोड़ो सब लोग ठीक आ जाओ इधर करवाना सबसे ज्यादा प्राथमिकता किसे क्योंकि मैं हां ठीक है सुनो छोड़ो टाइम दे दीजिए ना कर ही देते हैं कर लो कि ना ये सचिन करो तो 79 में बी 79 में बी और सी भाई आप कराओ सुन पहले 77 और 78 करा दो मुझे जाना है ये वो चलो ठीक है सुनो इधर देखो तीन में बताया नहीं अरे करने दो करा रहे हैं तुम कर देना। अरे मैं 70 ए और डी लगा लेना यार ये गलत है इसका ये समझा दूं ये 78 वाला गलत है मुझे ज्यादा दो तो उसको समझा दूं समझा रहा मुझे ये समय टाइम पे करो ये तुम सचिन तुम्हारी स्पीड कम है कल से खराब सब मतलब मंडे सब अपने 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 पेपर लेके आया करो 78 फिर ये किसके ये किसके का ये कल वो कल वो कल वाला पेपर काहे नहीं लेके बैठा मां मां कौन को सो सला का मंगाए शक्तिमान है सारे उठने को तैयार हाल है आप करवाई टाइम से अरे बात मत चलो ठीक है करा दो ना। हां चलो ठीक है सुनो इधर अब चुप रहो 77 करा दो पहले 73 से करा दो चुपचाप इधर मैं करा रहा हूं सुनो। एक महत्वपूर्ण अधिकारी बैठक में उपस्थित न होने के कारण आपका इसका स्पष्टीकरण मांगा गया ठीक है। आप बैठक में नहीं गए और आपसे कारण मांगा जा रहा है ये हमेशा होता है हर ऑफिस जॉब में होता है आपसे कारण मांगा जाएगा। ये देखो कौन आया सोमेश जी आप एक डीएम है जिले के अधिकारी हैं आप कारण देंगे क्या कारण देना चाहते हैं पूछो इनसे ठीक है। अब देखो
आपको आसन अधिकारी जिसने आपकी इस बैठक की जानकारी नहीं दी थी अब आप पर यह दबाव डाल रहा है या डाल रही है, लड़की भी हो सकती है, कि आप इसका दोष उस पर नहीं डाले, ऐसे में आप क्या करेंगे बताओ। आप खुद ही सोचो कि जैसे मान लो कि बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी, ठीक है, आप उसमें नहीं गए, इसका रीजन ये था कि आपको जो नीचे अधिकारी है आपको उसने इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो अब आप क्या करोगे? अभी आप ये ऑप्शन बोल जाओ, मुझे बताओ तुम क्या करोगे? मैं ये करूंगा कि उसमें नहीं बताओ, उसमें मेरे पास दो ऑप्शन होंगे, या तो मैं अपने अधिकारी से व्यक्तिगत रूप से मिलकर उसको जानकारी दूं कि इस आदमी ने मुझे जानकारी नहीं दी है तो इस वजह से मैं नहीं आया, या मैं अपना एक पावर दिखाता हूँ, अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए मैं उस पर जांच बैठा दूं कि भाई आपने मुझे जानकारी क्यों नहीं दी। तो मैं ये उसके दो क्या करोगे समझ मैं सोचो, अपने आईएएस अधिकारी हो तो मैं ये बता रहा हूँ, यू फील लाइक दैट यू हैव टू टेक अ डिसीजन। तो मैं सबसे पहले अपने जो मेरे मेन कारण होंगे जिनके वजह से मैंने मीटिंग अटेंड नहीं की है, अरे तुम्हें मीटिंग का पता ही नहीं लगा, तुम्हारे जूनियर अधिकारी ने नहीं किया ना मैंने, तो उसको मैं अपने जो सीनियर अधिकारी होगा मेरा सबसे उसको जाकर के मेरी बात को जानकारी दूंगा कि इन वजहों के कारण मैंने मीटिंग को अटेंड नहीं किया हुआ है। अगर वो इन चीजों को मना ही करते हैं तो जिसकी वजह से, जिस व्यक्ति की वजह से मैंने मीटिंग अटेंड नहीं की है, जिन्होंने मुझे पूरी जानकारी नहीं दी है, उनके खिलाफ मैं उचित कार्रवाई करूंगा। ठीक है, सच्ची बताता हूँ मैं क्या है, जो विकास भाई ने बताया वही है, तुम बता। मुद्दा 2000 को सौ दूंगा भागने की भी तो टाइम है। चलो तुम लोगों में से बताओ क्या तुम करोगे। चलो ठीक है, सुनो इधर, अब देखो सुनो, स्थिति को संभालने के लिए अपना दोष स्वीकार करेंगे। देखो सीधी सी बात है, अगर आपकी जब गलती नहीं है तो आप अपना दोष क्यों स्वीकार करोगे? सीधी सी बात गलत है, इसे तो इरिस्पॉन्सिबल आप ऑफिसर कहलाओगे। बैठक के सामने पर इसका दायित्व डाल देंगे कि उसने बैठक जानकारी नहीं दी, ये आप एक उच्च पद पे बैठे व्यक्ति को शोभा नहीं देता। आप इस चीज़ को, ये गधे लोग हैं तो ऐसा ही करेंगे। नहीं मतलब देखो, आपकी भी एक जिम्मेदारी, हाँ आपकी भी जिम्मेदारी बनती है ना, इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, आप देखो तथ्य की व्याख्या करते हो, अपना लिखित उत्तर भेजेंगे। ठीक है, आप स्पष्ट कारण मांगा जा रहा है बैठे उपस्थित, तो यहाँ पे देखो आपने ये नहीं बोला कि आपको जाके वर्बल बताना, तो आप लिखित पेपर लिख के भेज सकते हो कि भाई ये रीज़न था, ये कारण था, इसलिए मैं नहीं है। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, अपने सर्वोच्च अधिकारी की स्थिति से अवगत कराने के लिए उसे भेंट का समय लेंगे, उससे ज़्यादा अच्छा है कि अपना तथ्य की व्याख्या करते हुए भेज दो, ज़्यादा अच्छा है। पर्सनल मीटिंग भी अच्छी रहती है, पर डिपेंड करता है कि सामने वाले व्यक्ति अगर मिलना ही नहीं, हाँ मिलना नहीं चाह रहा तो क्या करो, तो पहला ये रहेगा, सेकंड ऑप्शन ये रहेगा। ठीक है, अब आ जाओ अगला। ये तो भाई पहला ऑप्शन ही रहेगा, वो पहली प्राथमिकता तो पहले को रखेगी, लिखित उत्तर जो देगी पहली प्राथमिकता है। ऐसे व्यक्तिगत भेंट भी अच्छा माना जाता है। हाँ, किसी भी अधिकारी से आप पर्सनली मिलने जाएंगे ना, तो वो आपके साथ अगर ठीक व्यवहार नहीं करते हैं तो इससे बेहतर है कि आप अपने लिखित का ही लिखित भेज दो, उसके बाद फिर प्रेजेंट हो जाओ, वो ज्यादा बेस्ट है। लोकेशन का भी अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, सिचुएशन क्या है। मेरा मानना है सबसे पहले लिखित भेज दो, लिखित भेजना पहले, फिर उसके बाद व्यक्तिगत मिल लेना चाहिए। ठीक है, चलो आ जाओ। एक स्थानीय गुंडे ने आपके खाली पड़ी जमीन पर अवैध निर्माण आरंभ कर दिया। इससे पूछो, यू है गुंडे व इसकी जमीन घेर लिया, किसी ने कैसे छुटाया उसको? उसने जमीन खाली करने का, अरे चुप रहो, ज्यादा नौटंकी कर, लाश की गरिमा का ध्यान रखी। क्या अपने एक स्थानीय गुंडे ने आपकी खाली पड़ी जमीन पर अवैध निर्माण आरंभ कर दिया है, उसने जमीन खाली करने का आपका अनुरोध ठुकरा दिया है और आपको यह धमकी दे डाली है कि यदि आपको यह जमीन सस्ते दामों पर उसे नहीं बेची तो आपको भीषण परिणामों का सामना करना पड़ेगा, भीषण परिणाम। ऐसे में आप क्या करेंगे बताओ सोमेश? मैं पुलिस के पास ही जाऊंगा, कानूनी प्रक्रिया से। हाँ बोलो अमित, इसका तो बस एक ही होगा कि आवश्यक कार्रवाई के लिए पुलिस के पास जाए, और ऑप्शन जो डी आपने बताया ना सर, अब गुंडे एक से अधिक होंगे तो कितनों के पास जाया जाएगा सर? अरे गुंडे से और अधिक कीमत पाने के लिए उससे बातचीत करेंगे। अरे ठीक है सौम्य, तुम बताओ पुलिस के पास जाओगे? हाँ बोलो आंटी, वही जो गाजर गोभी बचा हो सब बना दो। ठीक है बताओ, तुम बताओ विक्की। मैं एक ही काम करूंगा, पहले तो प्रशासन का सहारा लूंगा, पुलिस प्रशासन, अगर प्रशासन उसमें कुछ एक्शन नहीं करता है तो जाहिर सी बात है फिर मैं उससे अपना वार्तालाप करूंगा, जैसे ही बातचीत होगी उससे बोलूंगा कि भाई तुझे लेनी तो है, देख मेरा व्यक्ति थोड़ा कमजोर है, मैं गरीब आदमी हूँ तो थोड़ा सा दे दे, देख मैं तो देने का मना। चलो बताओ, तुम बताओ
पुलिस के पास जाओगे? ठीक है, देखो एक चीज बात, आवश्यक कार्रवाई के लिए देखो अपनी जमीन सस्ते दामों में उसे बेच देंगे, ये तो कभी नहीं करना चाहिए। उससे इससे अच्छा तो ऑप्शन ये है, उससे मुलाकात ही कर ले। अपने पड़ोसी से मदद मांगे, भाई पड़ोसी कोई मदद नहीं करेंगे, इसके लिए भाई कानून प्रशासन बैठा तो यही आएगा इसमें आंसर भी। ये सही नहीं है, ये गलत है, गलत है, वो गलत है। प्रशासन को दोगे, लेकिन अगर प्रशासन नहीं कुछ करता है, अरे नहीं वो वही मतलब अपनी जमीन गिरवा दोगे, अरे नहीं गलत है ना, वही एक्शन करोगे ना। सर आजकल कोई नहीं जाता क्योंकि पुलिस वाले ने घूस ले लेते हैं। ऐसा कुछ ही नहीं है, ठीक है, इधर है सब तक गुजरौने बेचारों की जमीन अपनी, और वो उनके पैसे भी नहीं देते। मैं सहमत सुनते नहीं ना, अगले की जमीन गिर रही है सोमेश की, कम से कम वार्तालाप कर तो बंटू बन करके पैसे ले ले कुछ। क्यों सुन, जमीन का पता है छोटा सा टुकड़ा है और उस पे पता है 10-11 साल से केस चल रहा है, इतना तो उस जमीन से भी नहीं कमाएंगे। चलो ठीक है, आगे बढ़ो, समझ में आ गया, वो गुंडा वाला तरीका सही नहीं है, ठीक है, तो ये चीज याद रखना, उसमें कानूनी कार्रवाई का ही प्राथमिकता है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए इसलिए बैठी है पुलिस, ठीक है। अगला देखो, अगले 2 दिनों में अपने मुख्यालय के आपको एक अति महत्वपूर्ण कार्य पूरा करना है। अचानक ही आप दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, आपको कार्यालय आप पर यह जोर डाल रहा है कि आप कार्य को पूरा करें, ऐसे में आप क्या करेंगे? आप चोटी लोगे, बहुत इंपॉर्टेंट काम है और वो आपसे ही उम्मीद करें कि आप ही कार्य करिए, ठीक है। तो देखो जो गलत ऑप्शन है उनको देखते हैं पहले, ठीक होने तक अलग बने रहेंगे, तो गलत बात है ना, बहुत इंपॉर्टेंट काम है तो वो तो भाई ये से वर्किंग डिले हो जाएगा, कोई मतलब नहीं, अलग बनने रहने का मतलब हाथ खींचने, अपनी जिम्मेदारी से हटना वो सही चीज नहीं है। अपने मुख्यालय सूचित करेंगे कि आप समय से कार्य पूरा कर पाने में असमर्थ है, ठीक है, ये भी ठीक ऑप्शन बात है, परंतु इससे आपकी लायबिलिटी इंश्योर नहीं होती है ना भाई। आप कैसे किसी दूसरे कैसे कैपेबल व्यक्ति को बोल के बताओ कि ये काम कर लेगा, इसको दे दो, या मैं मॉनिटरिंग करते रहूँगा, मेरे से बातचीत करते रहो, तो ज़्यादा कोऑर्डिनेशन का ऐसा निर्णय चाहिए अपने को। काम पूरा करने की अंतिम तिथि आगे बढ़ाने की अनुमति मांगेंगे, ये भी एक अच्छा डिसीजन है कि अगर हो सकता मैं जल्दी रिकवर कर जाऊँ, अभी इसमें दुर्घटनाग्रस्त हो जाते ही हो सकता हल्का चोट लगाओ, तो 1-2 दिन के टाइम के बाद मैं रिकवर होकर आ जाऊँ, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। अपने मुख्यालय के एक वैकल्पिक व्यक्ति का नाम सुझाएंगे जो कार्य पूरा कर सकता, सकता पॉसिबिलिटी ये फर्स्ट आएगा, सेकंड ये आएगा, क्योंकि वो किसी और का नाम नॉमिनेट कर देगा ना, मैं नहीं तो मेरे करें। ये कर सकता है, वो ऐसा ऑफिसों में ऐसे ही काम चलता है, ऑफिस में सर, ये पुलिस विभाग में खास तौर पे पुलिस विभाग में ऐसा होता है ना कि आज 30 दिन की ड्यूटी है तो चलो मुझे घर जाना है तो 10 दिन, अरे नहीं पुलिस में नहीं, हर डिपार्टमेंट में अगले महीने तुम्हारे ड्यूटी मैं कर दूंगा। हाँ हर डिपार्टमेंट में ऐसा होता है, वो हर जगह ही होता है, ऐसा कोई कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ता है इसीलिए, ठीक। अगला देखो, किसी एक भूकंप प्रभावित क्षेत्र में भूकंप के बाद जीवित बच्चे लोगों को मूलभूत चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए आपको प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया, ठीक है। आपका हर संभव कोशिश है कि बावजूद लोग आपके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि आप राहत के लिए दी गई राशि से पैसे बना रहे हैं, सोचो आपके करप्शन का आरोप लग रहा है और आप अपनी तरफ से पूर्ण रूप से ईमानदार है, तो क्या करोगे सोमेश? शाबाश, वाह, तुम बताओ क्या करोगे इसमें? सबसे पहले तो ये कि सिचुएशन देख के अगर कोई मर रहा है तो वहाँ पहले अपना छवि नहीं देखूंगा, वहाँ से पहले लोगों को निकालना है, तो राहत बचाओ कार्य होगा, उसके बाद फिर उसके ऊपर जांच बैठवाएंगे जो भी होगा। सचिन जी सर, क्या करोगे? ये केस स्टडी आई हुई है यूपीएससी मिथिक्स में, मैं फिर बताओ, इसीलिए करवा रहा हूँ, इन्हें इन क्वेश्चनों को मतलब नहीं करवाने का। ये क्या सब सीसी से रिलेटेड नहीं है? पहला करोगे? अरे हां भाई, ये नेचुरल डीएम की प्रॉब्लम भाई, कहीं बाढ़ आ गई है, बिहार कट रहे, केस करोगे? केस स्टडी सर ने बोला है इसके बाद तो यूपीएससी में आती है 2000 इथिक्स के पेपर में, तो ये आई हुई है इसलिए करवा रहा हूँ। अभी ये सीसेट में नहीं आती, डिसीजन मेकिंग वाला नहीं आता, नहीं आता, हटा दिया, पर हो सकता आ जाए क्वेश्चन, यूपीएससी सिलेबस में है डिसीजन मेकिंग। हाँ इस बार तो नहीं छोड़ेंगे ना, इस बार वैसे खुन्नस खाए बैठा है। हाँ तो पूछ सकते हैं, ठीक है। आप देखो सवाल सी बात, देखो क्या करोगे अब, जैसे गलत ऑप्शन देख ले, जब तक मामला सुलट नहीं जाता है कार्य में आगे कोई पहल नहीं करेंगे तो सबसे खराब, सब लोग मर जाते, तो ऐसे तुम गए नौकरी से काम से। आपने वरिष्ठ अधिकारी से निवेदन करेंगे कि वे आपके स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति को, ये तो कार्य से भागना हो गया, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आप चाहेंगे इसकी संबंध में जांच पड़ताल प्रारंभ की जाए, ये सही ऑप्शन नहीं है, पहले इन आरोपों को कोई ध्यान नहीं देंगे और कार्य करता रहेंगे, पहले लोग पहला रेस्क्यू करेंगे। हाँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, उसके बाद उसकी जाँच पड़ताल, ठीक है। आगे देखो, एक बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में आपको अलग सूचना पर नौकाएं भाड़े पर लेने का दायित्व दिया गया, नौका मालिकों द्वारा बताई गई कीमतों को देखने पर आप पाते हैं कि न्यूनतम कीमत सरकार की अनुमोदित दर से लगभग 3 गुना अधिक है, तो स्वाभाविक सी बात है क्या करोगे? उनके प्रस्ताव को रद्द कर एक नई कीमतें मंगवाएंगे, तब तक तो बहुत टाइम डिले हो जाएगा। एक चीज़ यार, टाइम डिले हमेशा याद रखना, इसलिए मेरे पास भी यार टाइम पंचुअल,
टाइम में कोई डिले नहीं करेगा, मामलों को सरकार के पास भेज देंगे और प्रतीक्षा करेंगे, ये भी गलत बात है, ऐसे तो लोग मर जाएंगे, ये चीज़ याद रखना। न्यूनतम कीमत को स्वीकार कर लेंगे, ये भी एक होता है, जैसे मान लो कि 10 लोग, मान लो आपको किसी को अस्पताल लेके जाना है, अब 10 मान लो 3 ऑटो वाले, एक मांग रहा 500, एक मांग रहा 900, एक मांग रहा मान लो कि 800 रुपये, तो आप 500 वालों के पास लेके चले जाओगे ना, इमरजेंसी है तो अभी भाई कोई नहीं, ऐसे रियल में रेट 100 रुपये ही है, परंतु अभी पता है लोग इमरजेंसी का फ़ायदा उठाते हैं, तो भाई सब ऐसी बात अपन कर लेंगे, पर बाद में उस पर कार्रवाई करेंगे भाई किस आधार पर लिया, क्योंकि अभी जरूरत है उस इंसान को, अभी तुम लड़ने झगड़ने लग जाओगे तो उस इंसान की मौत नहीं हो जाएगी, समझ रहे हो ना सिचुएशन। न्यूनतम कीमत को स्वीकार करेंगे तो समझ जाएगा, नौका माल को धमकी देंगे कि उनका लाइसेंस रद्द हो सकता है, तो ये भी एक अच्छा कदम है, हो सकता है डर जाए तो हो सकता है कि फर्स्ट पे जितने भी दोनों भी नाव हो या फिर गाड़ियां हो उन सब की रजिस्ट्रेशन होती है, तभी जाके वो किसी गंगा जी में या फिर नदी में उतर सकते हैं, तो वो एक प्रशासन से जुड़े रहते हैं, अगर प्रशासन की बात नहीं मानेंगे तो उनकी लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द कर दी जा सकती है। अरे बात ये है ना कि अभी इमरजेंसी देखी जाएगी ना, किस इमरजेंसी में व्यक्ति मान लो हो सकता तो मरने वाला है, तुम बहस करते रहोगे तो व्यक्ति मर जाएगा ना, अभी भाई 500 रुपए तो बाद में देख लेंगे उनसे। ये धमकाने वाली बात मुझे एक चीज थोड़ा सा बता दीजिए कि क्या इसमें ये नहीं होगा कि आप अपने ना, फिर ऐसे तो पुलिस वाले तो कहे तुम्हें, पुलिस वाले गाय की तरफ पुचकारेंगे चारों चोर लोगों को, उनसे उल्टे पैसे मांगेंगे। समंदर में जब शिप उतरती है ना, कोई भी प्राइवेट शिप, तो उनको जून जुलाई में मछली मारने का आदेश नहीं होता है, तो वो सारे को नोटिस भेज देते हैं, क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन उनके पास रहता है, तो वो सारे किनारे पे लाके लगा देते हैं और पुलिस को इसकी सूचना देते हैं, तो वो ऐसा ही करते हैं, होता है। देखो अगले, देखो एक अकेले महामारी पीड़ित गांव में आप रोग निरोधक टीके का वितरण करने वाले प्रभारी अधिकारी हैं, और आपके पास केवल एक ही रोग निरोधक टीका बचा हुआ है, ठीक है, इस टीके के ग्राम प्रधान को और उसी गांव के निर्धन को भी जरूरत है, ठीक है, आप यह दबाव बना हुआ है कि आप ये टीका ग्राम प्रधान को दे दें, क्या करोगे उस समय, दे दोगे ग्राम प्रधान को, क्यों नहीं देखो क्या वो इम्पोर्टेंट व्यक्ति नहीं है, मैं मौजूद आदमी हूँ, बता सचिन क्या करोगे, ग्राम प्रधान को पहले दोगे निर्धन को दोगे, निर्धन को देंगे पहले भाई, मैं तो भाई दोनों, क्योंकि देखो जो निर्धन है उसने भी पहले प्रधान को चुना है ना, तो प्रधान का ये दायित्व ये होता है जनता की सेवा करें, पहले निर्धन को देखा जाए, भाई मैं बोलूंगा दोनों व्यक्ति है, दोनों का महत्व है बराबर, तो मैं उन्हें भेजूंगा डॉक्टर के पास, जाओ जो ज्यादा संक्रमण है व्यक्ति जो जिसके जीने के मतलब जो ज्यादा ग्रसित है उसको पहले होता है, ये भी है दो उसको, चलो देखो इधर देखो दोनों को ठीक, हाँ बोलो समित, अब जैसे मेरा प्लेटलेट्स 1,00,000 है और अगले आदमी का 50,000 है, तो ज्यादा जरूरत किसको है प्लेटलेट्स की, 50,000 वाले की, तो सबसे पहले जो ज्यादा वीक है ना उसको देना चाहिए, ये नहीं कि अमीर और गरीब देखना, ठीक है, दोनों को टीका ना देकर आप टीके की अगली खेप की पूर्ति शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त, भाई ये गलत, भाई एक व्यक्ति को तो बचा लो, दोनों को मार दो कैसे, तो फिर दोनों को कहेंगे डॉक्टर से मिले और टीके आते हैं के बारे में सलाह लेकर आए, अच्छा लेके आएंगे वो चलने रहे हालात में होगा तो तुम ये डिसीजन लोगे, गलत, किसी दूसरे क्षेत्र के वितरक से गांव के उस निर्धन के लिए टीके व्यवस्था करेंगे, किसी दूसरे क्षेत्र के वितरक से गांव प्रधान के लिए टीके व्यवस्था करेंगे, दोनों एक जैसे आंसर है। एक और कौन बोल, एक और तीन, बीओडी दो और चार, ठीक है अब अगला देखो, आपने शीत ऋतु में देखो तुम लोग समझ नहीं रहे हो कि उसको अपनी भावनाओं में मत बहो, इमोशनली होके देखो क्या, इमोशनल इंटेलिजेंस होके डिसीजन लो, आपने शीत ऋतु में बेघर लोगों के लिए रेन बसेरे बनाने के प्रयोजन अपने हाथों में लिए, ध्यान से समझना, ठीक है, इन रेन बसेरों को स्थापित करने के एक सप्ताह के भीतर ही आपको क्षेत्र के निवासियों से चोरियों के मामले बढ़ने की शिकायतों के साथ ये मांग प्राप्त हुई कि रेन बसेरे हटा दिए जाए, ऐसे में आप क्या करोगे बताओ सोमेश, मान लो कि रेन बसेरा लगाया है आपने कि भाई जो ठंडी का समय है ये लोग जो मान लो कि रिक्शा चलाते हैं, इनके पास घर वर तो होते नहीं, सड़कों पे सोते हैं लोग, तो भाई सर्दियों में इनको बचाने के लिए आपने लगा दी, इसे मान लो कि नेहरू विहार के ही लोग यहीं पे आपने लगा दिया, अब कुछ दिनों बाद में शिकायत आती है कि चोरियाँ हो रही है, तो वो आरोप लगा रहे कि ये लोग चोरी कर रहे हैं इसको और इसको हटाओ, तो आप क्या करोगे, मतलब ये प्रूफ नहीं है, वो बोला जा रहा है, बोला जा रहा है, तथ्य मिल रहे हैं, तथ्य मिल रहे हैं, तो इसकी मैं जांच करवाऊंगा और पुलिस को निर्देश दूंगा कि थोड़ा सा इस पे केयर करें कि कौन चोरी करा, थोड़ा सा रात में इस बात को ध्यान दें, वैसे किया नहीं है मैंने, इसको पढ़ा नहीं, मैं बताऊं, मैं जो वहां का लोकल आदमी है उनसे पहले तो एक रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई
कुछ समय दे दो, ये निर्धन है इनको रहने के लिए। दूसरा मैं बोलूंगा कि इसके ऊपर मैं इसमें जांच करवा देता हूँ कि ये है इसमें या नहीं। ठीक है सचिन, तो बता। बिल्कुल ये गलत बात है, कल कलेक्टर ये बन जाएगा, तुम भी बोलो गाजी बन रहा था, मुझे नहीं बनने की जरूरत है। नहीं, तेरा जिला गाजियाबाद मिलकर मेरा मिला बधाई तो बहुत फर्क रहेगा भाई, तू कैसे बधाई मेरे पास पड़ जाएगा, बस हो गया। ठीक है, इधर देखो सुनो, आप निवासी से कहेंगे इस मामले में पुलिस स्टेशन में अपनी लिखित शिकायत दर्ज करें। देखो एक चीज़ याद रखना, पहली बात आपके पास कोई फैक्ट नहीं है, फैक्ट नहीं है तो आपको रैन बसेरा उठाना या उन पर आरोप लगाना गलत होता है। जब तक आप ये कंफर्म इन्फॉर्मेशन नहीं हो जाती कि आपके पास कि ये लोग चोरी कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात, मान लो चोरी करने वाला उनमें से एक है, दस लोग बिचारे, तो दस लोगों को सही दूर करोगे आप? सही बात है, समझ में आया, तो रेशनल डिसीजन लेना है। तो इसमें वही तो होगा ना भैया, जो लोकल के पहले उन्हें विश्वास दिलाना पड़ेगा ना उस चीज़ का। आप निवासी शिकायत को अनदेखा कर परियोजन जारी रखेंगे, ये भी गलत है, क्योंकि भाई उनके चोरी हो रहा है तुम्हें तो ये भी गलत है, ठीक है। आप निवासियों को यह विश्वास दिलाएंगे कि मामले की जांच पड़ताल की जाएगी। अच्छा बात होता है कॉन्फिडेंस में लेना किसी को कि हाँ, मतलब समझो भरोसे में लेना है। कि जैसे मान लो कि भाई ठीक है, हम कर देंगे आपकी सुरक्षा के इंतजाम हम करते हैं, और हम जल्दी से जल्द जो है देख लेते हैं। पुलिस वाले कहीं भी जाते यही बोलते यही करते हैं कि हम इसको देख लेते हैं, हम करवा देते हैं, ठीक है। कॉन्फिडेंस में लेना होता है। आप निवासी से कहेंगे कि वे किए गए मानवतावादी प्रयास को समझे, ये दोनों चीज़ एक जैसी ही है, ठीक है। बी ज़्यादा अच्छा है, बी ठीक है। एक प्रभावशाली व्यक्ति की, हाँ ये सोमेश बताएगा भाई, हम पढ़ रहे इसको कौन सा है, 80 दहेज हत्या, दहेज हत्या पढ़ तो। एक तारीख वाली आ गई जो है, मेरी शादी हुई है। पूरा जोर लगा दे, ये परीक्षा की घड़ी है बस। इसके बाद में कुछ होगा क्या? कितना टाइम हो गया? 6:30। ठीक है, देखो एक प्रभावशाली व्यक्ति की पुत्रवधू आपके पास आपके प्रशासनिक प्राधिकारी होने के नाते यह शिकायत लेकर आती है कि उसके ससुराल वाले उसे पर्याप्त दहेज के लिए तंग कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, ससुराल वाले उसे अपर्याप्त दहेज के लिए तंग कर रहे हैं, उसके माता पिता सामाजिक दबाव के कारण आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, ऐसे में आप क्या करोगे बताओ सोमेश, क्या करोगे? अरे ऑप्शन नहीं है, सोचे यार, एक कॉमन सेंस से यार, तुम क्या कोई कलेक्टर बन के बैठे हो, उनसे बोल रहे हो कि आप प्रॉब्लम बता दी, ऑप्शन बता यार, यू हैव टू क्रिएट ऑप्शन। ठीक है, मैं सबसे पहले उसकी शिकायत को दर्ज करवाऊंगा और उससे आवश्यक जो जांच होगी निष्पक्ष तौर पे वो कराएंगे, ये बात सत्य है या नहीं। हां ठीक है, तो बताओ इक्के, मैं जब वो लड़की शिकायत, नहीं तुम मत बताओ, इससे पहले पूछता हूँ आपकी बात। मैं जैसे जो लड़की मेरे पास शिकायत लेके आएगी, मैं पहले वो पुलिस में, नहीं पुलिस में लिख करवाएंगे क्यों नहीं, मेरी तो सुनो, पहले पुलिस में पुलिस को बुलाएंगे, उसके लिए पुलिस को बुलाएंगे और ससुराल वालों को भी, दोनों को बुलाएंगे, दोनों पक्ष को बैठा रहेंगे, उसमें फिर उन दोनों पक्षों की बात सुनेंगे, उसके बाद कोई निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, आप देखो इधर देखो, आप उस स्त्री को सलाह देंगे कि परिस्थिति को देखते हुए बेहतर होगा कि वह स्थिति समझौता कर ले, बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत डिसीजन है, ठीक है, ये कभी नहीं लेंगे। आप उसके माता पिता के पास आने तक की आने पर ही कार्रवाई करेंगे, ये भी बहुत गलत है, तो आप डिले कर रहे हो चीज़ों में, सही नहीं है। आप उसके ससुराल वालों को बुलाकर उनसे स्पष्टीकरण मांगेंगे, ये भी ठीक है, पर ज़्यादा अच्छा ये है कि सलाह देंगे कि आप पुलिस के पास शिकायत दर्ज करें, पुलिस प्रशासन की मदद, शिकायत कर दर्ज करो। हाँ बोलो अमित, क्या बोल रहे थे? इसका आंसर तो वही एक ही वाला होगा, क्या सर अगर कोई फेक करे तो? अरे तो आप शिकायत दर्ज कराओगे ऑटोमेटिक जांच पूरी होगी, तो इसका मतलब ये है कि देखो एक चीज याद रखना, कभी भी जब आप प्रशासन में जाते हो तो आप डाउटेबल नजरों से नहीं देखोगे पीड़ित को, अगर ऐसे तुम देखने लगे ना तो किसी के साथ न्याय नहीं कर पाओगे। सबको देखोगे, मान लो किसी के साथ रेप हुआ, आप बोलोगे झूठ मूठ का आरोप लगा रही, फिर कैसे वो कैसे कर सकते हैं, वो तो नहीं नहीं क्या बात कर रहे हो, उसमें नहीं होते हैं क्या बात कर रहे हो, बोलोगे फिर प्राथमिकता होगी, ये तो गलत है ना, तो तुम लोग हर चीजों को भाई अपना दृष्टिकोण चेंज कीजिए। नहीं भैया, जब वो आएगी उसको बोला जाएगा पुलिस प्रशासन में सहायता ली जाए, और मैं क्या बोलूंगा मालूम है? हाँ बोलो। लड़की को कि तुम ना आराम से निकल लो यहाँ से, इससे पहले कि वो तुम्हें भी भिखा, वो खुद तो भिखारी है, पैसे मांग रहे हैं,
और इससे पहले कि तुम्हें भी भिखारी बना दे कहीं और निकल लो अगर कोई रास्ता है तो। ये बहुत गलत है, ये अमित अपनी मनोइच्छाओं को प्रशासन वाली बात करो यार, एक प्रशासन बनने जा रहे हो। देखा हमारा विक्की बस अब इधर आधा चुपचाप 2012 पेपर निकालो सब लोग। ये सब लोग मेरे कंप्रेशन वाली क्लास देख लेना 2011-2022 वाली जो पैसेज वाली, ये इसीलिए फंस रहे हैं, दम तोड़ रहे हैं, देखे नहीं है ना पैसेज वाली, देखने बोला तो था उस दिन, देखे नहीं तुमने पैसेज वाली 2011-2022 देखो। ठीक है वो मैं करवाऊंगा परंतु पहले उधर देखो। चलो आ जा 16-17-18-19-20 करो फटाफट। 16-17-18-19-20 लहरा इन लिखता मत करिए नाटक। तन लिया दिए जे वो कड़ गया कई पेपर है अच्छा होगा एक क्या होगा रेल गाड़ी आ रही 16 नंबर तो अरे 2012 16 नंबर सभी कलाकार सन की होते। आप गलत नहीं होने चाहिए, मैं हेल्प नहीं करूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन उस टाइप देखो जिधर वो जितने करवाए थे ना वैसे ही क्वेश्चन है सब। वैसे भैया इसको एक क्वेश्चन डालनी चाहिए यूपीएससी वैसे ये बढ़िया है ना, ये उसमें होते नेगेटिव ना ही पॉजिटिव में इनके नंबर नहीं कटते हैं गलत होने के लिए। अरे भाई ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग है वही तो भाई 16-17 नंबर भी देख लिया करा देख रहा हूँ लेकिन इसमें या तो ए और बी की एक ही आयु है अन्यथा बी से ए से बड़ा, ये कैसे डिसाइड करेंगे पढ़ो आगे कोई डेटा डेटा तो होना चाहिए।
तो मैं पेन चलाओ, मैं फिर बारह बता रहा हूँ। पेन चला रहा हूँ, बट ऑप्शंस को लिखने के लिए ये रवि श्याम तो तुम्हारे बैच का होगा ना, ये पहले निकल गया था तुम्हारे साथ। पता वो दस में कहाँ पढ़ा था, विजन से पढ़ा, दृष्टि में पढ़ा गया नहीं, विजन से पढ़ा गया। फिर दृष्टि में वैसे ही ऐड देते कैसा लेके देर उन्नीस की वीडियो उसकी भी पड़ी हुई है। देर उन्नीस की वीडियो किसकी, देर उन्नीस की वीडियो पड़ी हुई है उसकी। हाँ क्या भी है, एक क्वेश्चन लगाओ चुपचाप, नहीं तो तुम वीडियो बनाने लायक नहीं रहोगे, फिर तोड़ दिए जाओगे। कल कोई बांस की डंडी मंगा लो भैया, मेरा हाथ ही कापी है लचीली वाली, बोलो जर्सी ऊपर। अरे उन दोनों से बात कर लेने के बाद फाइनली ठीक है। वो जुड़ा नहीं आज इसमें भी, इसमें नहीं जुड़ा।
अमित बने नगीना बने तुमसे सोलह तो बना लिया बस 16 ही बना है लास्ट वाला बना रहा हूँ सर और सारे बन गया मैं 16, 17, 18, 19, 20 हाँ सर याद करो ये देखो 18 क्वेश्चन कल में बताया था उसी टाइप का है ये 18 उसी टाइप का है 16 भी बताया था 17 भी 19 भी और ये भी 17 वाले को सर करा दो आप हाँ वो मैं करवाऊंगा तो यही क्वेश्चन है ना आगे जाके 2018 में भी रिपीट होगा और 19 में भी रिपीट हुआ यही सेम टाइप इसी टाइप के क्वेश्चन 17 वाला है उसका भी है 18 का भी है अरे रुक जाओ निकल रहा है 17 उल्टा सबसे इजी है ये इसमें ना दो आंसर आ रहे हैं मेरे एक साथ एक ही आंसर है अरे यही है ना सेम क्वेश्चन आया हुआ है 2018 को नीचे सेम क्वेश्चन हो गए सारे कितने करने थे 20 तक करने हैं 4 क्वेश्चन करने हैं सोमेश कितना बना लास्ट वाला कर रहा हूँ मतलब और पहले कर लिए सारे 17 वाला नहीं हुआ मुझसे वो मुझे समझ नहीं आ रहा है कोई नहीं देखना है ना अभी जैसे तुम लोगों को दिक्कत हो रही है ना थोड़ा थोड़ा ज़्यादा दिक्कत हो रही है जैसे एनसीईआरटी कंप्लीट करोगे ना क्वेश्चन बनेंगे जब अप्रैल में जब इन क्वेश्चनों को दोबारा करेंगे ना अपन बनने लग जाएंगे इसीलिए मैं करवा रहा हूँ एक तो क्या होगा जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो थोड़ा सचेत अवस्था में रहोगे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं दूसरी बात कैलकुलेशन सुधरेगी तुम लोगों की रिद्धि वो काम कंप्लीट हो गया PYQ वाला 1995 से सिर्फ साइंस वाली एक फाइल बाकी है कंप्लीट करो उसके बाद में तुम्हें है ना लगना है इन लोगों के लिए टेस्ट पेपर बनाना PYQ के ही ठीक है
ठीक है, मैं तरीका बता दूंगा कैसे क्या करना है, तो उसे तुम्हारी तैयारी हो जाएगी। जी जी ठीक है, तो वो काम कंप्लीट करो, फिर उसके बाद में करना है। हाँ बताओ। सोलह का बी सब मिलाओ रे आंसर्स, और गलत हुआ ना अमित तो मैं ठोकूंगा मैं सबसे पहले। अच्छा ठीक है, हाँ सब बताओ, सोलह का सबका बी आ रहा है। ठीक है तो ठीक है, सोलह का बी आगे। सत्रह का सी, सत्रह का सी, सबका डी आ रहा है, तुम्हारा सी आ रहा है। सी वाला स्टेटमेंट ऑलरेडी दिया हुआ है, डिस्कस पूछा है इसलिए डी होगा। अच्छा ठीक है, 18 का ए, 18 का ए और सी आया, 18 का बी, सबका हां 18 बी सी। बारिश हो रही ठीक है, 19 का बी, 18 का ए, 19 18 में क्या आया, बी बी फॉर बॉम्बे, मैं बताऊंगा चल छोड़ आगे। 19 का बी आया सबका, 19 में बी फॉर बॉय, सी आई जो सी, सी आएगा अमित, अमित तुम लोग सी आएगा इसका, और 20 का आएगा बी, 20 का सी, यस सर, ये सब लोग तेरे छोड़ो तुम लोगों के भरोसे, चलो चलो इधर, चलो देखो इधर फटाफट से, अब सब लोग मिला लेना ठीक है। अब देखो कल भी मैंने करवाया था इस टाइप का क्वेश्चन, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ ध्यान से समझना, अभी गलती नहीं होनी चाहिए। सभी कलाकार सन के होते हैं, जितने भी कलाकार हैं ना ध्यान से समझना, जैसे कलाकार ये सारे के सारे कैसे होते हैं, सन के होते हैं, सन की मान लो कि बड़ा हो गया ठीक है, जितने भी कलाकार हैं वो सन के होते हैं, पागल होते हैं ठीक है। कुछ कलाकार नशीले पदार्थों के वेशनी होते हैं, तो कुछ कलाकार जैसे कुछ है ध्यान समझना, तो कुछ ये एरिया हो गया, तो ये कैसे हैं
नशीले पदार्थ लेते हैं, ठीक है। कुंठाग्रस्त व्यक्तियों के नशीले पदार्थों को वेशनी बन जाने की संभावना रहती है। अब देखो कुंठाग्रस्त व्यक्ति, देखो ये वाला भी बन सकता है, और एक कुंठाग्रस्त व्यक्तियों के नशीले पदार्थ वेशनी बन जाने की संभावना रहती है, या मान लो कि उनका ये भी वाला भी हो सकता है। तो दो पॉसिबिलिटी बन रही है इस वाले वेशनी वालों की, कुंठाग्रस्त वालों की, ठीक है। तो इसमें दो अपने पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे कुंठाग्रस्त वाले व्यक्तियों की, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। आप देखो एक एक पढ़ो, तीनों कथनों में से निष्कर्ष निकाला जा सकता है। कलाकार कुंठाग्रस्त होते हैं, देखो इस वाले केस में तो हो रहा है, इस वाला केस देखो रुको, जब मैं ये वाला ले रहा हूँ तब तो हो रहा है कुंठाग्रस्त, ये वाला डायग्राम मतलब, ठीक है। परंतु जब मैं ये ले लूँगा तो तब उसमें पॉसिबिलिटी नहीं है, तो अपन कन्फर्म नहीं कह सकते ये, ठीक है। अब आगे बढ़ो, नशीले पदार्थों के वेशनी लोगों में से कुछ सनकी होती, देखो ये बात सही है, देखो ये रहा कुछ सनके, देखो सनके पूरा ये वाला है, तो इसमें से कुछ, जब कुछ कलाकार ही सनकी है तो स्वाभाविक सी बात है कुछ तो नशीले पदार्थों के वेशनी सनकी होंगे ना, तो ये स्टेटमेंट एकदम पूरा फिट बैठ रहा है अपना भी। अगला देखो, सभी कुंठाग्रस्त व्यक्तियों को नशीले पदार्थों वेशनी नहीं, देखो यहाँ से कुछ ही अपने पता नहीं लग रहा है कि सारे के सारे हुए हैं, ठीक है, तो ये भी कट जाएगा। सनकी व्यक्ति आमतौर पर कुंठाग्रस्त होते हैं, देखो इस वाले केस में कहाँ बन रहा है, जब ये देखो ये बार वाला केस, इसमें नहीं बन रहा, तो ये भी गलत हो गया। ओनली क्या ऑप्शन हुआ, बी। सबको समझ में आया, मुझको इसमें समझ आया। अरे तुम क्यों संग, तुम इसीलिए मतलब पेन चलाओ सीखो, देखो सभी कलाकार सनकी होते हैं, जितने भी कलाकार हैं ये कलाकार हो गए, ये सनकी होते हैं, ये हो गए सनकी, बाहर वाले ये बाहर वाले सारे सनकी है, ठीक है, ठीक है। अब आगे पढ़ो, कुछ कलाकार नशीले पदार्थों के वेशनी होते हैं, कुछ कलाकार, कुछ कलाकार मतलब ये वाला पार्ट, ये कौन से नशीले पदार्थों के वेशनी होते हैं, कुछ में नशीले में सनकी भी आगे कलाकार भी आगे, कुछ दोनों आगे से। अमित तुम क्या आंसर टीप के बोल रहे हो कि दृष्टि वालों ने इसका गलत दिया हुआ आंसर 19 का, तुम अगर बी बोल रहे हो तो पक्का मैं बता, मैं सिलोलिज्म बना लेता हूं सर, बी इसका आंसर मैंने बोला था सर, बी है, गलत है ना, गलत है, बी ठीक है, गलत है, आपने बी ठीक करवाया। अरे 19 का मैंने नहीं बोला, अमित बता रहा था, कौन से का 19 की बता रहा, इसकी 16 की बात चल रही है, चल रही है, ठीक है। अब कुंठाग्रस्त व्यक्तियों के नशीले पदार्थों वेशनी बन जाने की संभावना रहती है, अब देखो कुंठाग्रस्त व्यक्ति ये भी हो सकता है, हो सकता है ये भी हो, ऐसा करके कुंठाग्रस्त का मतलब क्या है, अरे कुंठाग्रस्त नहीं जानते, कभी अकेले समझा जाएगा तुम, मतलब जो बहुत ज़्यादा आदतन हो जाते हैं, कुंठाग्रस्त हो जाते हैं किसी भी चीज़ का, सीख अगर सर, ठीक है। आप सुनो, तुम्हें इधर सुनो, तो ये भी हो, ये भी हो सकता है, और ये इसका ये भी वाला डायग्राम भी हो सकता है, थोड़े से व्यक्ति हो, इसके दो डायग्राम है, एक अरे दो डायग्राम, अब ध्यान समझो, पहला पढ़ स्टेटमेंट, कलाकार कुंठाग्रस्त होते हैं, देखो कलाकार कुंठाग्रस्त होते हैं, कलाकार कुंठाग्रस्त, देखो इस वाले डायग्राम के तहत तो नहीं होंगे, अब जब भी आएगा तो दो डायग्राम बनते हैं तो दोनों में होने चाहिए, एक में नहीं होगा एक में तो आंसर काउंट नहीं होगा, ओके। तो ये पहला नहीं है। अब सी देखो, सभी कुंठाग्रस्त व्यक्ति नशीले पदार्थ व्यसन, अरे देखो ना इस वाले केस में तो बन रहा है पर इसमें नहीं बन रहा है, इसमें तो कुछ ही है, इसमें सारे हैं, और तो ये भी गलत हो जाएगा फिर। डी देखो, सनकी व्यक्ति आमतौर पर कुंठाग्रस्त होते हैं, सनकी व्यक्ति आमतौर पर, अरे देखो ये वाले केस में नहीं है ना, सनकी तो यहीं तक ही है, और ये देखो ये बाहर की साइड है, ठीक है, तो ये भी गलत हो। अब देखो ये सही जो ऑप्शन बन रहा है, नशीले पदार्थ व्यसनी लोगों में से कुछ सनकी होते हैं, अब देखो नशीले पदार्थों में से देखो आपने देखा ही था कि कुछ व्यक्ति क्या होते हैं सनकी, जैसे देखो क्योंकि सनकी का गोला यहाँ तक जा रहा है, ये नशीले भी, अरे देखो ये तो कलाकार, जब कुछ कलाकार ही नशीले पदार्थ व्यसनी तो सनकी भी होंगे, ठीक है। सबको समझ में आ गया ऑनलाइन में, ठीक है, फटाफट देखो अगला क्वेश्चन देखो, अमित कुमार लेफ्ट हो गया, ए सौम्य, अच्छे समझो तुम, बहुत लापरवाह करे, चलो ठीक है। इधर देखो 17 क्वेश्चन, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, फिर बता रहा हूँ आगे भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन, या तो ए और बी एक ही आयु के हैं, अन्यथा बी से ए बड़ा है, तो देखो इस टाइप में ऐसे चिन्ह लगता है, ये चिन्ह लगाना सीखो, इसका मतलब होता है बड़ा, ए जो है बी से बड़ा है, और इसका मतलब होता है ए और बी का बराबर है, ठीक है, पहला ये स्टेटमेंट बन गया। अगला देखो, या तो सी और डी एक ही आयु के हैं,
या डी सी से बड़ा, ये अन्यथा सी से डी बड़ा है, आपकी ओर डी बड़ा है किससे, सी से, अरे बराबर भी हो सकते हैं। अब आगे देखो, सी जो है बी से बड़ा है, जब सी बी से बड़ा है तो सब ऐसी बात है, देखो ध्यान से समझो, तो एक अपन केस ले रहे हैं जब ए बराबर है बी के, ठीक है, तो जब बोल रहा है कि सी जो है बी से बड़ा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी जो है सी बड़ा हो जाएगा इससे ए से, जब ए दोनों में बराबर ले रहा हूँ तो देखो ये और ये हो जाएगा, डी जो है बड़ा है ना, ये कंडीशन बन जाएगी। एक केस जब कब, कब जब ए बराबर बी ले रहे हैं, क्योंकि एक के कंडीशन ये भी है ना अपने पास, एक कंडीशन ये बनी, अगला देखो ध्यान से समझना, अगला कंडीशन मैं जब ए जो है बी से बड़ा वाली कंडीशन ले रहा हूँ, ठीक है, और अपने को क्या बोला, सी जो है बी से बड़ा है। अब देखो ध्यान से समझना, हो सकता है कि सी यहाँ पे हो, क्योंकि अपने कंफर्म नहीं पता ना, कि फिक्स नहीं दिया है, जब ये वाला केस लेंगे तब तो सी यहाँ पे भी हो सकता है, हो सकता है डी भी इनके इनके बीच में आ जाए, क्योंकि अपने को कुछ भी कंफर्म नहीं है। अब देखो, अब इनमें से स्टेटमेंट पढ़ के अपने को आंसर निकालना है, बी जो है ए से बड़ा है, बताओ बी जो है ए से बड़ा है तो कैसे गलत है, क्योंकि ए बड़ा है, ये तो अपने को यहीं पे पता है, अन्यथा बी से ए बड़ा है तो ये तो पहले गलत हो गया, ठीक है। आगे देखो, बी और डी एक ही आयु के हैं, अब देखो बी और डी नहीं, कुछ कहीं पे कोई से केस में अपन नहीं बोल सकते कि बी और डी एक ही आयु के हैं, डी है, ठीक है। अब आगे देखो, सी जो है डी से बड़ा है, अरे तो ये गलत दिया है, देखो यहीं पर बोल दिया कि क्या है, सी सी से कौन बड़ा है, डी, सी से डी बड़ा है, कन्फर्म नहीं बोल सकते अपन यहाँ पे, ठीक है, सी डी से बड़ा है कन्फर्म नहीं बोल सकते, क्योंकि सी जो है मतलब जो डी है उससे बड़ा भी हो सकता है बराबर, तो कन्फर्म नहीं है ना, कन्फर्म नहीं है वो छोट, मतलब बड़ा भी हो सकता है बराबर भी हो सकता है, दोनों कंडीशन है, तो अपन कन्फर्म नहीं बोलेंगे ना इसको। अगवा अगला देखो, सी से ए बड़ा है, अब देखो इस वाले केस में देखो ये लागू हो गया, सी से क्या बड़ा है, सी से ए बड़ा है, रुक जा रुक जा, नहीं सर वही सी ही होगा आंसर मुझे लगता है, हां डी होगा, डी वो तो होगा ही नहीं अमित, वो कंफर्म अपन जब बोल ही नहीं सकते तो कैसे कर दोगे तुम, उसको कर दोगे तुम सी से बड़ा, सी 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 जो है सी सी या तो बड़ा है या तो बराबर है, हां तो नहीं नहीं नो नो नो, ये केस तो किसी हालत से नहीं होगा, सी से ए बड़ा है, सी से ए बड़ा है, देखो इस वाले कंडीशन में देखो, जब सी से बी बड़ा है, अरे हाँ ये रुक जाओ गलत, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, इसमें भी तो दे रखा है, और दूसरे वाले में देखो ना पीछे, नहीं 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 सी से डी बड़ा है, अरे नहीं 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 रुक जाओ, इधर देखो, अभी देखो ऑप्शन देखो सुनो, सी से बी बड़ा है, अब देखो ध्यान से समझना, सी से कौन बड़ा है, ये आपने गलत उल्टा खींच ले लिया था, अब सब ऐसी बात, जब सी से बड़ा बी है, बी से बड़ा ए है तो ए बड़ा होगा ना सी से, तो आंसर आ गया ना डी, सीधा सिंपल सी बात, ये है ना आंसर डी, डी दिल्ली, अरे बराबर भी तो हो सकता है पहले कंडीशन में, देखो ना वो, देखो समझो इधर, ये देखो यहाँ पे अपन कंफर्म नहीं बोल सकते, अन्यथा बी से ए बड़ा है, ठीक है, ए बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, तो ये कैसे ले लेंगे अपन, इसीलिए दो निकल रहे थे, गलत हो गया, ठीक है। अभी तो देखो, अन्यथा सी से डी बड़ा है, तो ये डी जो है सी से बड़ा है, ठीक है, ये बराबर भी हो सकता है, तो ये इसीलिए ये भी गलत हो जाएगा, बी और डी एक ही आयु का, ऐसा कोई कोरिलेशन दिया ही नहीं है। अब देखो ये देखो, सी से बी बड़ा है, सी से जो है बी बड़ा है, तो अपने को पहले कैसे क्या पता लग रहा है, ए जो है बी से बड़ा भी है या बराबर हो सकता है, तो दोनों ही कंडीशन में जो ए तो हमेशा बड़ा होगा ना सी से, तो डी आंसर आएगा, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ, 2018-19 में भी क्वेश्चन आया है इसी टाइप का, सेम क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखो, एक पक्षी निरक्षर क्लब में केवल उन्हें ही सदस्यता मिलती है जिनके पास द्विनेत्री बाली, कल याद करो कल वाला क्वेश्चन ही है जिसमें स्टूडेंट थे, उसी टाइप से, एक पक्षी निरक्षर क्लब में केवल उन्हें ही सदस्यता मिलती है जिनके पास क्या होता है, द्विनेत्री बाइनोक्युलर है, ठीक है, मतलब उस क्लब के मेंबर वही लोग बनेंगे जिनके पास ये वाला होता है, ध्यान से समझना, पक्षी निरीक्षक क्लब के कुछ सदस्यों के पास कैमरे भी होते हैं, अब देखो इनके पास ये द्विनेत्री भी होता है, साथ में इनके पास कैमरे भी होते हैं, ध्यान से समझना, जिन सदस्यों के पास कैमरे होते हैं वे फोटो प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं, अब इनमें से भी जिनके पास, देखो हो सकता है कि जैसे मान लो टोटल लोग 15 है, 15 में मान लो कि 10 के पास द्विनेत्री है और 5 के पास कैमरा, तो 5 ही भाग ले पाएंगे किसमें,
फोटो प्रतियोगिता में, याद रखना। छह से मतलब यह 10 के पास है तो 5 ही जाएंगे बस। अरे नहीं, 10 के पास ये द्विनेत्री है, 5 के पास कैमरा है। अरे बोल, कैमरे वाले जाएंगे, द्विनेत्री वाले जाएंगे, द्विनेत्री वाले नहीं जाएंगे। अब देखो समझो, जिनके पास द्विनेत्री बायोन्यूक्लियर होता है वे सभी परीक्षण निरीक्षर क्लब के सदस्य होते हैं। आप देखो ध्यान से समझना, अपने को इसमें ऐसा बोला है कि भाई उस जो सद मतलब वो जो ग्रुप है पक्षी निरीक्षक क्लब है उसमें वही मेंबर है जिनके पास द्विनेत्री है। अब ये नहीं पूरी दुनिया के जो सबके पास हो उसके पास वो सदस्य चले होंगे, उसके जो मेंबर है जैसे 15 लोग है उनके सबके पास क्या है, द्विनेत्री। अब ये नहीं पूरी दुनिया के पास जिनके पास वो सदस्य नहीं होंगे, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं होगा। आगे देखो, पक्षी निरीक्षण क्लब के सभी सदस्यों के पास द्विनेत्री बायोन्यूक्लियर होता है, ये बात सही है। समझ रहे पहला और दूसरा स्टेटमेंट, ध्यान से समझो। वो पूरी दुनिया की बात कर रहा है और ये बात कर रहा है नहीं भाई जो इसके सदस्य हैं इनके पास द्विनेत्री है, ये पहली कंडीशन दी है अपने को। जैसे बिहार बिहार में हमने फीस भैया के पास जमा कर रखी है, हम आएंगे दुनिया नहीं आएगी, सभी घूम रहे हैं। ठीक है, बाकी देखो, जो फोटो प्रतियोगिता में भाग लेते हैं वे सभी पक्षी निरीक्षण क्लब के सदस्य होते हैं। ठीक है, जो फोटो प्रतियोगिता में भाग लेते हैं वे सभी पक्षी निरीक्षण सदस्य होते हैं, नहीं जिनके पास कैमरा होता है वही भाग लेते हैं। कोई भी निष्कर्ष निकाला नहीं जा सकता, गलत भी आंसर आएगा। ठीक है, किसी को डाउट? तो पक्षी निरीक्षण क्लब के सदस्य तो होते हैं ना, वो सदस्य हो गए तभी तो कैमरा। अरे कैमरा नहीं है, फर्स्ट कंडीशन के सदस्य तो है ना उसके ग्रुप के, तो द्विनेत्री जिसके पास है वो उनके पास कंपलसरी दे रखा। देख ले, देख क्या है, जो फोटो प्रतियोगिता में भाग लेते हैं वे सभी पक्षी निरीक्षक क्लब के सदस्य होते हैं, तो सदस्य तो होते हैं ना उसके, तो उनके पास कैमरा भी तो है भाई, कैमरा की तो प्रतियोगिता में तो वही जाएंगे जिनके पास कैमरा होगा। भाग लेते हैं ना वे सभी फोटो सदस्य, उसके सदस्य तो होते हैं क्लब के सदस्य, तो सदस्य तो होंगे। हाँ तो मैं वही तो बात बता रहा हूँ, सदस्य तो हो गए ना, सदस्य तो होंगे, लेकिन भाग तो वही लेंगे ना प्रतियोगिता में जिनके पास कैमरा होगा, ये भी तो बात है, भाग वही लेंगे। हाँ। लेकिन सदस्य तो हो गए ना बिल्कुल, तो वो तो कैमरा भी रख सकते हैं, द्विनेत्री तो है ही कंपलसरी, नहीं भैया द्विनेत्री तो है ही सबके पास। सी आंसर तो होगा, इसका क्या आएगा? अरे बी होगा, बी है भैया, सी क्या चल जाएगा यार। चलो ठीक है, आ जाओ, गलत है, सही है। ठीक है देखो, सुनो इधर, इसको किसको डाउट है, जो फोटो प्रतियोगिता में भाग लेते हैं वे सभी पक्षी निरीक्षण क्लब के सदस्य होते हैं। अरे भाई सोचो, मान लो कि वर्ल्ड कप हो रहा है, अरे भाई यहाँ से जो जाएंगे इसका मतलब ये चलेगा कि पूरी दुनिया उसी क्लब के सदस्य हैं, वो फोटो प्रतियोगिता में भाग लें। ये तो ये बोला है कि जो इस जो मान लो कि ये जो है पक्षी निरीक्षक क्लब है इसमें से जो प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं वही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बाहर कोई प्रतियोगिता हो रही है जिसमें जिनके पास कैमरे हैं, तो इसका मतलब ये चलेगा सारे सदस्य वही होंगे। ठीक है, वैसे भी तो भैया इसमें स्ट्रीम दे रखा वो सभी। ठीक है चलो, आ जाओ इधर, आ जाओ, ये वर्ड भी तो देखो ना अभी अमित, तो ये सबका 19 का क्या क्या आंसर आया था सब लोगों को बताओ। 19 का यूपीएससी ने आंसर दिया है इसका डी, डी पिछली ग्रीष्म काल की छुट्टियों के दौरान अंकित एक ग्रीष्म शिविर में गया जहां उसने पदयात्रा की तैयारी तैराकी की और नौका चालन भाग लिया। ध्यान से समझना, इस ग्रीष्म काल में उसने एक संगीत शिविर में जाने का मन बनाया जहां वह गाना नाचने और गिटार वन सीखने की चाह रखता है। ध्यान से समझना, पहली छुट्टी में कहाँ गया था, ग्रीष्म शिविर में गया था, फिर संगीत शिविर में जा रहा है। ग्रीष्म शिविर में जब गया था जब उसने पदयात्रा की थी, तैराकी की थी, नौका चालन किया था, और जब अब की बार संगीत शिविर में जा रहा है, गाना नाचना और गिटार वन सीख रहा है। उपयुक्त सूचना के आधार पर नीचे दिए गए चार निष्कर्ष निकाले गए हैं, इनमें से कौन सा एक उपयुक्त सूचना के तरंग संगत रूप से अनुगमित होता है। अंकित के माता पिता चाहते हैं कि वह गिटार बजाए, ऐसा कुछ है इसमें कहीं पे कुछ बहुत है, और उसके माता पिता का काम बोला है, अंकित भारी गतिविधियों की अपेक्षा संगीत ज्यादा पसंद करता है। ठीक है, अंकित भारी गतिविधियों की अपेक्षा संगीत ज्यादा पसंद करता है, ये भी गलत है, क्योंकि भारी गतिविधि देखो वो ग्रीष्म शिविर में क्या कर रहा है, पदयात्रा तेरा की तो भारी गतिविधियाँ होगी ना, आउटडोर गेम, और इंडोर हो गया ये तो, ठीक ये भी गलत हो गया। अब आगे देखो, अंकित हर ग्रीष्मकाल में किसी न किसी प्रकार के शिविर में जाता है। अब देखो जैसे मान लो पिछली छुट्टी में गया था ग्रीष्म शिविर में गया था, फिर उसके बाद संगीत शिविर में गया था, देखो 2 साल का आंकड़ा दिया है, अगले साल जाएगा नहीं जाएगा इसे कंफर्म नहीं बोल सकते, पर एक पॉसिबिलिटी तो बनती है इसको आंकड़ा को देखते हुए, पर अब डी ऑप्शन भी अपने को एक बार देखो। अंकित गाना और नाचना पसंद करता है, नाचने का तो कहीं जगह भी ना है।
देखो मैं फिर बता रहा हूँ, अरे सीखना है भाई, पसंद नहीं करना, वो सीखना और पसंद करना बहुत फर्क है, देखो शब्दों तो पढ़ो यार। अरे ठीक है सुनो, इधर देखो सुनो, दो स्टेटमेंट ये तो कंफर्म गलत है, ये ए और बी, ये तो खत्म है। ठीक है अब देखो सुनो, अंकित हर ग्रीष्म काल में किसी न किसी प्रकार के शिविर में जाता, ध्यान से समझना, ये अपने को 2 साल का ऑब्जर्वेशन दिया है, अब इसका अगले साल की कोई पॉसिबिलिटी होगी, वो अगर ऐसा कुछ लिखता है यहाँ पे कि फ्यूचर में भी वहाँ पे जा रहा है तो अगला ऐसा हो सकता था, 2 साल का ऑब्जर्वेशन कैसे बोलेंगे। ठीक है हर ग्रीष्मकाल, हर बता रहा हूँ, हर ग्रीष्मकाल जरूरी, हाँ वही तो, किसी हर ग्रीष्मकाल में मतलब ईच में नहीं जा रहा, ये अपने अगले साल कोई गारंटी साथ नहीं बोलते। पर ये देखो अंकित गाना और नाचना पसंद करता है क्योंकि इससे यही पता लग रहा है कि जब वो संगीत शिविर में जा रहा है इसीलिए तो जा रहा है, जब उसका इंटरेस्ट है, उसका सी नहीं है, डी आंसर, डी आंसर। चलो पना सब कोचिंग वाले उसको सी बता के रखे हैं, तो सी इसलिए भी सही है क्योंकि इसी से तो निकालना है, डिस्कस निकालना है, इसका अकॉर्डिंग सही है सी। चलो ठीक है 20 का हटाया होगा ना क्वेश्चन जरूर, अरे हां वो छोड़, बी डाउट है क्वेश्चन। ठीक है अभी तो देखो सब लोग इधर आ जाओ, ये अच्छा क्वेश्चन है, आगे भी क्वेश्चन रिपीट हुआ, बी आना चाहिए। ठीक है देखो, तीन व्यक्तियों ने ए बी और सी से काले नीले तथा नारंगी रंग, अब इसमें ऐसा नहीं टेबल बनाना सीखो, ए बी सी खेच दो, कमीज और पैंट का बना लो ना भैया, अरे ए बी सी बना टेबल, ए बी सी लिख दो नीचे, ठीक है अब देखो ध्यान से, इधर काले नीले तथा नारंगी रंग अनिवार्य इसी क्रम में नहीं कि कमीज तथा हरे पीले तथा, अब देखो कमीज क्या क्या है, कमीज का कलर क्या है, नारंगी है, ब्लैक है, ब्लू है, काला है और नीला है, ठीक है, और पैंट का जो कलर है ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, ग्रीन येलो और ऑरेंज, ठीक है, किसी भी व्यक्ति ने समान रंग की कमीज तथा पैंट नहीं पहनी, जैसे मान लो नारंगी वाला, नारंगी नहीं ग्रीन वाला, मैचिंग वाला कौन सा है, नारंगी नारंगी वाला, ऑरेंज ऑरेंज, ठीक है अब देखना पुनीचे दिया गया है, अब देखो ए ने काले रंग की कमीज नहीं पहनी है, अब ध्यान से समझना ये टेबल के तहत करना, अगर एक काले रंग की कमीज नहीं पहनेगा तो क्या क्या पहन सकता है, ब्लू और ऑरेंज, ठीक है, अब आगे देखो बी ने नीले रंग की कमीज नहीं पहनी है, नीले रंग की कमीज नहीं पहनी है तो सबाइश बता नारंगी और काला पहन सकता है, ब्लैक और ऑरेंज, सी ने नारंगी रंग की कमीज नहीं पहनी है तो काला और नीला, काला ब्लैक और ब्लू, ठीक ध्यान से समझना, सी ने नारंगी रंग की कमीज नहीं पहनी हो गया, ए ने हरे रंग की पैंट नहीं पहनी, ध्यान से समझना, हरा नहीं पहला तो येलो पहन सकता है, ऑरेंज नहीं पहन पाएगा क्योंकि सेम, तो इसका मतलब है येलो ही पहनेगा, ए वाला तीन पहन सकता है, नीला नारंगी पीला, ए वाला ग्रीन नहीं पहन सकता, रुक जा ऑरेंज पहन सकता है, रुक जा येलो ऑरेंज पहन सकता है क्योंकि अपने जब ब्लू पहन, ये अरे रुक जाओ अब आगे बढ़ो, ए ने हरे रंग की पैंट नहीं पहनी है, हरा रहने पहले तो येलो ऑरेंज पहन सकता है, ठीक है आगे बढ़ो, बी ने नारंगी रंग की पैंट पहनी है, बी ने नारंगी, हाँ ऑरेंज काट दो, अब उसका स्वाभाविक सी बात है ऑरेंज काट दो उसका, जब ये बी ने येलो पहनी है तो वो ऑरेंज, देखो इसका मतलब है कि ये वो कट जाएगा तभी ही वो पहन पाएगा ये, क्योंकि ये तो वाई तो ये ऑलरेडी बी पहन चुका है, समझ में आ गया, ठीक है तो ये बी, ए ने क्या पहना है बी, तो यहाँ पे बी पहना तो इसने क्या पहना ओ, ठीक है जब ओ ये इसने पहना है बी इसने पहना है तो ये क्या सी क्या पहनेगा ब्लू, ठीक है अब देखो आगे ये हो गया ओ हो गया ये वाई हो गया तो ये क्या बचा अब यहाँ पे ओ वाई ग्रीन, ये ग्रीन पहनेगा, बस बन गया कॉम्बिनेशन, सी ने कर्म से कौन सी पहनी हुई है तो ब्लू नीला और हरा है? अरे हला ब्लू ब्लैक तो ये ने पहना है ना, ब्लू और हरा आ गया अभी आंसर, ऐसे ही टेबल बना के देना, ठीक है चलो ठीक है फिर कल आगे एक वो देख लो जरा क्या हो गया, एक जनवरी से क्या स्टार्ट होने वाला है, एक जनवरी से क्या स्टार्ट होने वाला है, सुन लो सब लोग इधर देखो, इधर सी सेट में जो चल रहा है देखो, सी सेट में जो पी वाई क्यू कर रहे हैं उधर यही करेंगे, सी सेट में पी वाई क्यू, जी एस में भी पी वाई क्यू करेंगे, तुम लोग बस वो हिस्ट्री एनसीईआरटी पढ़ के कंप्लीट करो, फिर मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, ठीक है तो जी एस और सी सेट के पी वाई क्यू करवाऊंगा, ठीक है
और ट्राई करोगे सी सेट वाले कंप्रेंशन वाले पार्ट है ना, एक बार जो मेरे पिछले वीडियो पढ़े ना, क्योंकि उधर मैं रीजनिंग मैथ नहीं करवाया था अच्छे से, इसलिए मैं करवा रहा हूँ इधर, ठीक है? तो वो देख लो एक बार उधर, फिर वो करवा दूंगा, इधर भी करवाऊंगा जब ये रीजनिंग मैथ हो जाए कम्प्लीट। अरे नहीं, क्या टाइम लगता है ये तो अभी बहुत लंबा इनका टाइम जाएगा, इनको पहले देख लेने दो एक बार। अरे समझो कोई चीज, वो देख ले, तभी तो बोल रहा हूँ। हाँ तो हाँ देख लो यार, बहुत टाइम लगता है सचिन बाबू। ठीक है, जीएस के पीवाईक्यू करेंगे अपन 2011 से लेके 2023 तक, क्या कि तुम लोग कुछ कॉन्फिडेंस आ जाएगा इससे, ठीक है? मैं कुछ ट्रिक बताऊंगा उसमें, और वैसे ना 2023 में भी लागू हो रही है, 2024 में भी होगी, ठीक है? अच्छा खासा होगा, तो ये चीज़ यार ये करेंगे। तब तक तुम लोग, जब तक ये मान के चलो मोटा मोटा 15 से लेके 20 जनवरी तक लग सकता है इसमें टाइम, हो सकता है पूरा जनवरी भी लग जाए, तो उसमें कोई दिक्कत। मेन काम है कि क्योंकि यहाँ से 40-50 क्वेश्चन आते हैं, तो मैं वो 40-50 क्वेश्चन कैसे आगे क्या काम, हाँ 40-50 क्वेश्चन रिपीट होते हैं मैं दिखाऊंगा ना, तो और क्या 2021 में 60 से लेकर 70 क्वेश्चन आए थे 2021 वाले पेपर। रिपीट यस। क्या थीम रिपीट हुई थी ना? थीम क्या, ऑप्शन टू ऑप्शन रिपीट हुए थे, मैं बताऊंगा, आप देख लो, ठीक है? तो ये काम लगभग हो सकता है जनवरी लगे, परंतु तो ये काम सॉलिड करना है, ठीक है? इसमें मैं कुछ काम बताते जाऊंगा, साथ करते जाना बस, ठीक है? तो ये पीवाई को ये मार के चलो मोटा मोटा सी सी एट में थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर उसके बाद में जब फरवरी मार्च तक अपने पास 2 महीने हैं, इसमें फिर मैं साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी करवाऊंगा और एनसीईआरटी करेंगे, बस ये 2 महीने में। और मैं इसीलिए तो बोल रहा था कि ज़्यादा पढ़ने की आदत मत डाल, ठीक है? कुछ नहीं, मैं कुछ कुछ करवाऊंगा उसमें, हाईलाइट टाइप से करवा दूंगा, फटाफट पढ़ा दूंगा, ठीक है? ठीक है, तो ये काम रहेगा। फिर अप्रैल से वापस से अपन पीवाईक्यू पे काम करेंगे, अप्रैल और मई पे, उसमें सीडीएस एनडीए सीएपीएफ सारे पेपर उसमें आ जाएंगे। कौन किया ये? क्यों, ये क्या मजाक है? मेरा हाथ लग गया गलती से, मैं कैमरा सीधा कर रहा था। ठीक है, अप्रैल मई में सीडीएस सारे क्वेश्चन करेंगे, और इसी टाइम फिर मैं करंट अफेयर करवा दूंगा, जो योजना कुरुक्षेत्र में इम्पोर्टेंट रहेगा। योजना कुरुक्षेत्र और इधर ही योजना मैगजीन इधर कम्प्लीट करवानी, ठीक है? तो फरवरी मार्च का टारगेट रहेगा एनसीईआरटी को, साथ में अपना पने पढ़ना, मैं फिर बता रहा हूँ, हिस्ट्री एनसीईआरटी और पॉलिटी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जानी चाहिए आपकी जनवरी तक। मैं कह रहा था ना कि अप्रैल तक ये सब कंप्लीट हो जाए तो ज्यादा बेटर होगा। हाँ क्या बोले अमित? अप्रैल तक ये सब पूरा कंप्लीट हो जाए ना, ज्यादा बेटर होगा। अप्रैल में, जब मार्च तक ही करना ना, अप्रैल में तो बोले सारे पीवाईक्यू कर लेंगे, ठीक है? ग्रुप में एनसीईआरटी पढ़ो पहले, ट्राई करो। देखो सुनो, अब ऐसे तुम इधर घास वास मत काटो, पहले 6 to 10 और उधर 12th वाले तीनों पार्ट 1, 2, 3, ठीक है? ये तीनों पढ़ लो 6, फिर उसके बाद आर्ट एंड कल्चर पढ़ना, आर्ट एंड कल्चर पढ़ने 11th और 12th की, ठीक है? फिर उसके बाद में जो है तुम लोगों को काम करना है, इसमें टेस्ट लगवाऊंगा मैं, फिर बता रहा हूँ, विजन वाले टेस्ट, तो हिस्ट्री के सारे कंप्लीट टेस्ट लगाने, जितने भी 8-10 टेस्ट होंगे वो सारे, और वो इधर जनवरी में कंप्लीट हो जाने चाहिए। पॉलिटी के में, पॉलिटी देखो एनसीईआरटी पढ़ लेना, ठीक है? एनसीईआरटी पढ़ने के बाद में लक्ष्मीकांत जो हाईलाइट करवाऊंगा वो कर लेना, उसके बाद में विजन के टेस्ट लगाने, जनवरी का ये टारगेट है, मैं फिर बता रहा हूँ, ये दोनों कंप्लीट हो जाने चाहिए, हिस्ट्री और पॉलिटी। फरवरी में एक चीज़ याद रखना, फरवरी का टारगेट रहेगा तुम्हारा इकोनॉमी और ज्योग्राफी वाला, ठीक है? हाँ तो वो मार्च में है ना, मार्च उधर बचा हुआ, तो उधर तुम्हारा हो जाएगा इन्वायरमेंट इकोलॉजी, ठीक है? साइंस टेक और करंट अफेयर तुम्हारा जो भी उसमें सारा वो करते रहो, और मैगजीन पढ़ते रहो सैटरडे संडे। तो हो गया ना इधर फरवरी में इकोनॉमी और ज्योग्राफी, ठीक है? इसके साथ ज्योग्राफी भी, हाँ थोड़ा बात हो ही जाएगा अलग से, पे साइंस टेक के साथ पढ़ लेना, मार्च का महीना है ना पूरा, ठीक है? पूछ ले, नहीं समझ आया तो क्यों झगड़ा कर रहा? चलो ठीक है फिर, है ना? तो मंडे 1 तारीख को नया रेडी रहना जीएस के, मैं फिर बता रहा हूँ, सब अपने जीएस के पेपर भी लेके बैठना 2011 से, ठीक है? 2011 से करेंगे नए पैटर्न में, सोमेश की ओर से कोई छुट्टी नहीं है। चलो ठीक है फिर, बाय बाय।